हाय, ये टेक स्टोरी की पॉडकास्ट है और आज हम पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको टेक स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। टेक स्टोरी में मैं हमारी सॉफ्टवेयर और टेक इंडस्ट्री के जो की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं। तो 80s, 90s, 2000s और 2010s में जो हिस्ट्री में हमने टेक में मेजर चीज़ें की, कैसे हमारी एवोल्यूशन हुई, कौन से मेजर प्लेयर थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनमें सक्सेसेस को भी हम कवर करेंगे, फेलियर्स को भी कवर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ब्रॉड बेस्ड डाइवर्स गेस्ट को लेके आए इस पॉडकास्ट में और उसको हम क्रिटिकली इवेलुएट करें। ये क्रिटिकली का इम्पॉर्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ अपनी हिस्ट्री के इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, मैं उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना चाहता हूँ। क्रिटिकली इवेलुएट करने का मतलब ये है कि हम उसको हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर हमने अच्छे डिसीजन लिए, कहाँ पर गलत डिसीजन लिए, कहाँ पर इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे हमने इम्पॉर्टेंट वेव्स मिस की, कहाँ पर हमने राइट टाइम पे गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग नहीं की, और कहाँ पर ओवरऑल एक जो हमारा इकोसिस्टम था उसको हम क्या चेंजेस कर सकते थे। हम अपनी सक्सेसेस को भी सेलिब्रेट करेंगे, हम अपने फेलियर्स को भी एनालाइज करेंगे ताकि हम उससे लर्न कर सकें। तो आज हमारी पहली पॉडकास्ट है। कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो पहला गेस्ट और पहली पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल होती है, क्योंकि पहले गेस्ट ने आप पे आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है। आपके आपके थीम को बगैर देखे आपको उसने आपको टाइम देना होता है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू हैव अ ग्रेट गेस्ट टुडे। आसिम फयाज इज प्रीवी टू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन द लास्ट 2 decades। After LUMS, even at LUMS, he was part of the startup that Umar Saab started in the LUMS Computer Science Department, Chopal. And after that, he was involved in World Bank and he was involved in an organization, Technology for People Initiative. And then his journey took him from Lahore to Silicon Valley, and now he's living in Toronto. And he has a newfound passion in reading books and writing books as well. So it's a very interesting story. So Asim, welcome to the podcast. Thank you. Glad So to be Asim, here. so we're really glad to have you. Asim, हमें अर्ली डेज के बारे में बताएं, लाइक व्हेन यू वर इन ओ लेवल्स, ए लेवल्स, तो आपकी अर्ली सॉफ्टवेयर टेक इंस्पायरेशंस क्या थी? मेरी इंस्पिरेशन बेसिकली मेरे वालिद साहब हैं, अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी खुद से, सॉफ्टमैन के नाम से। और जो मेरा बचपना है, चाइल्डहुड है, उसकी जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज हैं वो बेसिकली हैं कि जिस कमरे में मैं बड़ा हो रहा था उसी कमरे के कोने में उनका टेबल था और उस पर कंप्यूटर पड़ा हुआ था, और वो हर वक्त यहाँ फ़ोन पे होते थे तो यहाँ कंप्यूटर पे होते थे। तो मतलब आई रिमेम्बर स्कूल में भी आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू किड्स हु हैड सीन अ कंप्यूटर दैट अर्ली। मतलब ये बात है ऑब्वियसली अर्ली 90s की, और तब से मतलब मेरे सामने एक चीज थी और एक उसी की एक फैसिनेशन डेवलप हुई कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कंप्यूटर पे ही आपका पूरा काम होता है, पूरी पूरी कंपनी बन जाती हैं जो सिर्फ एक ये सॉफ्टवेयर नुमा एक चीज बना बना के बेच रहे हैं, जो कि मतलब उस टाइम पे बिल्कुल नई थी। तो मेरी इंस्पिरेशन तो बेसिकली मतलब गोज ऑल द वे बैक टू माय यू नो चाइल्डहुड, और इनफैक्ट मतलब इवन टू द एक्सटेंट के जो मैंने कहानियां सुनी है बचपन में अपने बारे में मतलब पेरेंट्स से, वो भी यही है कि चूंकि मेरी फैसिनेशन थी तो वो शरारतें भी वही थी कि टेबल पे चढ़ गए, फ्लॉपी डिस्क नीचे फेंक दी एंड सो ऑन। सो यू नो कंप्यूटर्स आर एज यू नो गो एज फार बैक एज आई डू। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं ना एक ग्रोइंग अप ना मैं कन्वर्सेशंस ऑफ हिस्ट्री सुनता था हैरी क्राइसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली की। शायद आपको पता हो हैरी क्राइसलर एक सीरीज करता है, क्योंकि आपने मास्टर्स किया है नहीं बर्कली से। सो वो ना हर गेस्ट से शुरू में ये सवाल पूछता था कि व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस हैपेंड ऑन योर डिनर टेबल्स व्हेन यू ग्रू अप। एंड इंटरेस्टिंगली बहुत से गेस्ट की जो है ना स्टोरीज ऐसी होती थी कि उनके हाउस होल्ड इन्वायरमेंट में वो डिस्कशंस हो रही होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिस्ट सेड के हमारे हाउस होल्ड में इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशंस होती थी व्हेन वी ग्रू अप। ठीक है,
एंड उसमें मोस्टली गेस्ट जो है ना इस तरह की इंस्पायरेशन की बात करते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके अर्ली चाइल्डहुड का जो आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट होता है उससे आप कितना उसका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर. तो कमिंग बैक टू यू नो वट यू सेड, वॉज इट लाइक योर फादर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर के आपको भी उसको कंप्यूटर पे काम करने का के लिए वो इनकरेज करते थे या आप भी उसको टच करते थे? वट वॉज योर फर्स्ट इंट्रैक्शन विद द कंप्यूटर इटसेल्फ? बिल्कुल, मतलब हमारी जो जो बचपना था उसमें उस टाइम पे ये सब बाकी बच्चे खेलते थे, सेगा और निंटेंडो, और मतलब जो मेरे वाले साहब ने भी स्पेक्ट्रम वगैरह पे खेला हुआ है, लेकिन आई हैव नेवर ओन्ड अ सेगा और अ निंटेंडो बिकॉज माय डैड मेड इट अ पॉइंट के ये नहीं खरीदना, जो करना है कंप्यूटर पे करना है. तो जब कंप्यूटर पे गेमें हैं तो ये कॉन्सोल्स की क्या जरूरत है. सो ऑब्वियसली बच्चों की तरह एक्सपोजर पहला गेम्स के थ्रू ही था, लेकिन जब गेम्स खेलना शुरू की तो अब उसी कंप्यूटर पे अब्बू ने काम भी करना है और उस पर मैंने खेलना भी है. तो कुछ देर बाद मतलब फड्डा होता था कि भाई कौन करेगा, कौन ही इस्तेमाल करेगा एंड सो ऑन. सो आई गेस मैं अपनी क्लास से, मुझे भी याद पड़ता है कि आई वॉज द फर्स्ट किड टू ओन अ कंप्यूटर ऑफ देयर ओन. आई थिंक मैं शायद 5 साल के 10 साल कुछ काफ़ी अर्ली स्टेज थी. I can maybe check with my parents, but very early on, मतलब I owned a computer of my own, which in my class I remember wasn't a thing. अब जब computer आ गया, तो उसपे naturally सिर्फ games थी पहले. ठीक है. But मतलब once you start playing games and you see के मतलब जो computer पे और चीजें हो सकती हैं, because again just now मतलब like you're talking about the dinner table conversation, तो जो narrative था ना एक तरह का, वो narrative था कि बेसिकली अब्बू उस पर काम कर रहे हैं. तो उसी के थ्रू फिर जो मुझे सॉफ्टवेयर की समझ तो बहुत बाद में आई, जो मतलब और आप सुनते हैं लोगों की कहानियां कि उन्होंने बचपन में ही बेसिक और पास्कल और पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया, वो कुछ नहीं किया. मतलब इन दैट सेंस माय डैड वाजंट प्रोग्रेसिव या विजनरी के मतलब बच्चों को तब से लगा देना है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर के बिजनेस को जब एक्सपेंड किया हार्डवेयर में, तो यू नो ग्रोइंग अप मतलब जैसे मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक का जो टाइम था ना वो वैसा था कि स्कूल से घर आए और घर आके तो चले गए दफ्तर में बैठ के नीचे. तो घर में ही नीचे कोने में अब्बू का दफ्तर था, तो हाथ से जो होता है ना कि आप वो हथी सीखते हैं चीज़ें कैसे बनानी है, तो हाथों से कंप्यूटर खुद बनाए मैंने. अच्छा. और वो भी मुझे याद है कि जब स्कूल में कभी बच्चे बात करते थे कंप्यूटर की, स्कूल में कंप्यूटर कभी ख़राब हो गया, तो इस बार मुझे लम्स में याद है कि एक दफ़ा लैब 4 में बैठे एक किसी कोई सीनियर था, हम उसके फ्रेशमैन थे, कुछ सीनियर जो है ना अपना कंप्यूटर में कुछ कर रहा, तो वो टी 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 की आवाज़ आ रही बार बार, तो वो बार बार ऑन ऑफ करे, उसको समझ ना आए कि आवाज़ क्यों आ रही है. तो जाके उसको मैंने कहा यार आपकी रैम नहीं लगी हुई. तो कहते आपको कैसे पता है? देखा क्योंकि मतलब क्या मतलब क्यों नहीं पता, बट दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड के जो लम्स में लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे वो बेसिकली मतलब नीम हकीम थे, क्योंकि उनको मतलब वो ढांचे के ऊपर क्या है वो पता है, लेकिन ढांचा कैसे काम करता है वो नहीं पता. मैं भी उनमें से हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता. मैं विंडोज भी इंस्टॉल नहीं कर सकता था, अभी भी नहीं कर सकता. बिल्कुल, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने खत्म कर दिया विंडोज इंस्टॉल करने का सिस्टम. सो लाइक हमारे बैच में ना एक जब शुरू में हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का बेसिक कोर्स लम्स में होता था, उसमें देयर वाज अ टाइपिंग टेस्ट, एंड यू नो द गाय who won that typing test, sort of who was the number one in the typing speed, he had, I remember, 60 or 80 words per minute, which is quite high. Mine was like 25 something. And that guy, and I talked to him, he was a friend of mine as well, Daud Ibrahim is his name. And I talked to him and he said, I grew up in computers, you know. And then no wonder that after LUMS, he directly went to Microsoft. That was the level. So head start aapko early mil jata hai na. And yeah, like he went to Microsoft and we were like sort of, you know, figuring out what to do. And humne apna journey, hamara ek apna sort of trajectory thi. Chale, uske baad ye to ho gaya ke, you know, early inspirations. So like, could you see, just one more question before we move on. Like, could you see in your batchmates and figure out like which of the guys had early exposure and which of the guys did not have early exposures? Like, did you have that sense developed? School mein ya lumps mein? Lumps mein, let's say lumps mein. Ha, lumps mein thode the, bahut thode the. Jinko exposure pehle se tha, lekin jinko bhi tha,
यू कुड सी के उनको एक एक इनहेरेंटली एक यू नो चीज की समझ है. एंड आई काउंटेड माई सेल्फ पार्टली इन दोज पीपल बिकॉज मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले बहुत कम की थी, मतलब ओ लेवल ए लेवल में विजुअल बेसिक्स सिखाते हैं आपको, और सिर्फ इसलिए इतनी सिखाते हैं कि आप मतलब ओ लेवल क्लियर कर लें, नथिंग बियॉन्ड दैट. बट इवन दैट वॉज अ स्टेप चेंज फ्रॉम यू नो वट एवरीबडी एल्स हैड एक्सपीरियंस. लेकिन जो दो तीन थे लोग, सर मुझे एक दो लोग थे मुझे याद आ रहा है कौन थे, तो आई कुड सी कि वो लोग मतलब फर्स्ट ईयर से फॉर एग्जाम्पल देवर यू नो डूइंग फ्रीलांसिंग, देवर अटेम्प्टिंग यू नो मोर इंटरेस्टिंग और हार्डर प्रोजेक्ट, और दे कुड सी के कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन क्या है, स्पेशली मतलब पढ़ाई के बाहर. सो उनका वो एक्सपोजर कि कंप्यूटर साइंस एक टूल है, जिस टूल को आपने इस्तेमाल करके चीज़ें बनानी है, तो चीज़ें बनाना जो है वो ज़रूरी नहीं कि प्रोफेसर बताए आपको, उसके बियॉन्ड ही बन सकती हैं. तो ये यहाँ तक मैं पहुँचा था मे बी कोई सेकेंड ईयर के आसपास, बट फ्रेशमैन ईयर में भी लोग पहुँच गए हुए थे, तो वो एक दो लोग थे जिनको पहले से पता था. जस्ट टू क्लैरिफाई, जब आपने कहा कि ओ लेवल में विजुअल बेसिक करवाते हैं, वो एज पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट करवाते हैं या वैसे ही जनरली सबको करवाते हैं? नहीं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर स्टडीज बोलते हैं उसको. तो कंप्यूटर स्टडीज मैंने लिया था ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में, और ए लेवल्स वाला तो आई कंसिडर इट अ कंप्लीट वेस्ट, क्योंकि वो करिकुलम की मुझे कभी समझ नहीं आई कि उसका मकसद क्या है. ओ लेवल्स के करिकुलम की इतनी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने पुश किया कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जिस तरह होता है ना सीनियर प्रोजेक्ट होता है मतलब लम्स में, तो देर वॉज दिस नोशन दैट देर इज अ प्रोजेक्ट यू हैव टू वर्क ऑन. एंड आई रिमेम्बर मतलब उस वक्त जो मेरे डेंटिस्ट थे, तो मैंने अपने डेंटिस्ट के लिए एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था ओ लेवल्स में, विच यू नो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज मतलब वो एक्सेस से बनाया था, और उसमें अगेन कोडिंग कम थी, सिर्फ वी बी एप फॉर एप्लीकेशन वी बी ए यूज करते हैं आप, बट द आइडिया दैट देर इज एन इंटरफेस एंड देर इज यू नो अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व एंड देर आर रिकॉर्ड टू बी कैप्ट इज अ डेटाबेस, तो वो एक अप्लाइड नॉलेज जो उस टाइम पे थी, वो लम्स भी आके मुझे याद है कि कुछ साल पहला तो कुछ भी नहीं कर रखे आते उस किस्म का, काफी थ्योरेटिकल होता है, तो वो जो है ना अप्लाइड नॉलेज वो काफी एक मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा था ओ लेवल्स में वो करना. अच्छा, नाउ आप 4 साल लम्स में आपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आप रहे हैं, अब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेयर यू आर राइट नाउ, यू लाइक सीन अ लॉट, यू वर्कड अ लॉट, तो वो लुकिंग बैक उन 4 सालों में लाइक हाउ सिग्निफिकेंट वर दोज इयर्स, उससे क्या सीखा, क्या चीज़ें वुड, अगर आप सोचते हैं कि अगर आप सोचें कि जी अगर वो होती तो और अच्छा होता, लाइक क्रिटिकली एनालाइज दैट दोज 4 years फॉर यू. जो लम्स के 4 साल थे ना वो लेट मी आंसर दिस इन टू पार्ट्स, एक लम्स है और एक कंप्यूटर साइंस है. ठीक है, जो लम्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि यू नो यू इन अ लिबरल आर्ट्स यू नो प्रोग्राम वेयर यू गेट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, एंड व्हेन आई से एवरीथिंग यू नो आई मीन यू नो एवरीथिंग इन योर डिसिप्लिन एंड आउटसाइड योर डिसिप्लिन, व्हिच आई नो ओवर टाइम हैज इवॉल्वड इन डिफरेंट वेज एट लम्स, बट यू नो इन सम वेज हम लोगों का बैच इन पर्टिकुलर 2010 का बैच इन पर्टिकुलर वॉज एक्स्ट्रा अनलकी एंड एक्स्ट्रा लकी. अनलकी बिकॉज हमारी ट्रांजिशन हुई थी आई थिंक फ्रॉम क्वार्टर्स टू सेमेस्टर्स, जिसकी वजह से हमारे कुछ कोर्सेज की वो ओवरलैप नहीं हो सका, और यू नो वी मिस्ड आउट ऑन यू नो सर्टेन इलेक्टिव्स, बट एट द सेम टाइम यू नो आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली लकी टू बी इन आवर क्लास, बिकॉज वी बेसिकली गॉट टू डिफाइन आर ओन करिकुलम. एंड वॉट दैट मेंट वॉज के मैंने मतलब उस जमाने में 180 यूनिट्स होते थे, उस 180 में से मैंने 80 यूनिट्स किए थे कंप्यूटर साइंस में और 100 किए थे कंप्यूटर साइंस के बाहर, और मैंने इतने ज्यादा कोर्सेज किए कंप्यूटर साइंस के बाहर कि दो चीजें हुई उससे. एक तो ये कि बहुत सारे लम्स के जो मेरे दोस्त बने कंप्यूटर साइंस से बाहर, दे स्टिल मैनी ऑफ देम मीट मी एंड वंडर कि तुम कंप्यूटर साइंस मेजर से, बिकॉज हमने तो इतनी चीजें और साथ पढ़ी, मतलब मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा, मैंने फोटोग्राफी पढ़ी, मैंने अकाउंटिंग पढ़ी, मैंने फॉरेन एड डेवलपमेंट पढ़ी, मैंने विचक्राफ्ट पे कोर्स लिया, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी, मैंने लिटरेचर पढ़ा, फिलोसफी पढ़ी, तो एनीथिंग यू कैन इमेजिन यू नो जो लम्स में जितनी वैरायटी थी वो मैंने सारी वैरायटी टेस्ट की. सो दैट यू नो फ्रॉम अ लम्स पॉइंट ऑफ व्यू हैड अ ह्यूज यू नो इम्पैक्ट ऑन मी.
बिकॉज इट काइंड ऑफ यू नो एनेबल्ड मी टू बी एबल टू सी द वर्ल्ड. अब एक तो हिस्सा ये हो गया कि आपने दुनिया को देखना कैसे है, राइट, या दुनिया में क्या क्या देख सकते हैं, दुनिया में हो क्या क्या रहा है. तो ब्रॉडली इकोनॉमिक्स की, फिलोसफी की काफी समझ आई. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई इवन कंसीडर्ड के माइनर कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में, बिकॉज आई वाज एनामर्ड बाय यू नो इकोनॉमिक्स. बट अर्ली ऑन जो टीचिंग फेलोज ने हमें पढ़ाया था, वो टीचिंग फेलोज वर नॉट यू नो एट पार, सो दे काइंड ऑफ यू नो डिड नॉट रियली इंस्पायर मी इनफ. जो दूसरी है हिस्सा इस जवाब का, वो कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ है, जहाँ पे बिकॉज यू नो पार्टली बिकॉज ऑफ माई अर्लियर यू नो ट्रेनिंग जो मैं ऑलरेडी एक्सपोज था, तो उससे मुझे हेड स्टार्ट मिल गया. पार्टली द फैक्ट कि मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड वेयर माई डैड वॉज यू नो ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर, तो मतलब आई कुड डिस्कस थिंग्स विद हिम. एंड ऑल्सो जो है ना मतलब कंप्यूटर साइंस आई अंडरस्टैंड इज बेसिकली जस्ट लॉजिक थिंकिंग एंड लॉजिक, यू नो इट्स जस्ट लॉजिकल यू नो स्ट्रक्चर. So the moment you're able to break things down into boxes and arrows, right, you get computers. Because boxes and arrows हैं और एक मतलब current flow करता है एक तरफ, तो यहाँ वो loop करेगा या वो नहीं करेगा, और वो loop करेगा किसी condition के हिसाब से and so on. So if, at the core ये है. अब आप उसमें code लिख लें, आप उसमें कागज पर लिख लें, आप उसमें डब्बे बना लें, diagram बना लें, जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी जबान में कर लें, जिस मर्जी platform पर कर लें, if you understand things you know at that basic level, boxes and arrows, you're able to start looking at problems and mapping you know real world things into you know code and design and all that. So wo jo computer science ki meri jo lums ki jo training thi usme mujhe kafi maza aaya, because matlab kafi kuch seekhne ko mila ke you know ab aapko ek samajh aa gayi hai, lekin ab samajh to aa gayi hai ki grammar kya hoti hai, but ab zuban pe karni hai. To mukhtalif courses kiye java ke aur advanced programming in java mujhe yaad hai, that I think was one of the inflection points for me, because wo maine course liya tha Umesh Javed ke sath, aur usme I remember matlab I was one of two or three undergrads, baki sare masters wale the, and I you know aced that course. Really? I topped that class. To jab maine wo top kiya to tab mujhe samajh aayi ke do baatein samajh aayi, which I don't know matlab if it you know seems pleasant or not, but ek mujhe ye baat samajh aayi ke mujhe samajh aa gayi hai. अच्छा. कि एक जुबान में मुश्किल चीज कैसे बननी है, कि आपने अगर एक नेटवर्क बेस्ड बॉम्बरमैन गेम बना दी है जिसमें आप बॉम्ब लगा रहे हैं, आपका दोस्त मर रहा है, तो यू नो यू हैव नाउ क्रिएटेड दैट गेम दैट आई ग्रू अप प्लेइंग, राइट. सो वो लूप आपका कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया कि यार यही है ना, और क्या है. अब इसमें मतलब ग्राफिक्स बेहतर कर लेंगे, दुनिया भर में खेल लेंगे, मल्टीपल लोग खेल लेंगे, मैप मुश्किल कर देंगे, राइट, मल्टीपल लेवल्स ऐड कर देंगे, लीडर बोर्ड ऐड कर देंगे, बट कंसेप्चुअली यही है और क्या है, राइट. तो वो लूप क्लोज हो गया. सेकंड मुझे ये समझ आई कि यार मुझे समझ अगर आ गई है तो मुझे क्या इसका इतना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है करने का. तो मुझे कोड लिखने का मजा इतना ज्यादा नहीं आता था, बिकॉज टू मी इट सेम लाइक कि यार ये कोड लिख लिया है ना, अभी कोड लिख लिया है, मतलब मुझे समझ आ गया है, राइट. तो आई डोंट वांट टू बी राइटिंग कोड फॉर द nth टाइम, कि मैं बस कोड ही लिख रहा हूँ. सो जिससे जिसकी वजह से फिर मतलब आगे जाके मतलब आई काइंड ऑफ यू नो मूव द वे फ्रॉम राइटिंग कोड. अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा करता है इसलिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो दो थीम्स जो आपने उस पर बात की है, आई जस्ट वांट टू समराइज फॉर आवर व्यूअर्स. वन थिंग इज दैट यू वर टेकिंग कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, बट यू वर टेकिंग अ लॉट ऑफ अदर कोर्सेज एज वेल. बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम नहीं थी, अब पता नहीं यूनिवर्सिटीज़ इवॉल्व हुई हैं कि नहीं, लेकिन अ लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ यू डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज दैट वे यू कैन सी द एंटायर वर्ल्ड, यू नो. दूसरा ये है कि यू वर द कंज्यूमर ऑफ कंप्यूटर गेम्स एंड देन यू बिकेम द क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर गेम्स, राइट. सो यू सॉ इट फ्रॉम टू डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, एंड यू नो उसके बाद let's just move on and talk about you know other things like lumps में बहुत से लोग, जैसे आपने कहा कि freelancing कर रहे थे, वो पैसे कमा रहे थे, ठीक है. And I saw a lot of people got that taste of you know making money, and that was a considerable money because they were doing international projects and they were making money in dollars, you know. And I was sort of envious of those guys because you know I could relate to that, you know. They and I was sort of, I saw it in a way, yaar, they have a serious skill, so they are earning, so, and they deserve it, and I don't have it, so I probably you know better get it, you know.
उसके बाद आप आई बिलीव चौपाल में भी इन्वॉल्व थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बिफोर आई गो टू चौपाल, बेसिकली जो ये बात है ना फ्रीलांसिंग वाली, उसमें उस वक्त भी एंड व्हेन यू मेंशन फ्रीलांसिंग, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि अभी भी सब पाकिस्तान में द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सॉफ्टवेयर आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, राइट? ठीक है, और फ्रीलांसिंग इज बेसिकली सर्विस बाय अ टीम ऑफ वन एंड देन यू कैन ग्रो द टीम एंड सो ऑन। तो मैंने एक आधी बार शुरू में की थोड़ी सी फ्रीलांसिंग बिकॉज आई वाज आल्सो अगेन यू नो इंटरेस्टेड टू सी के व्हाट इट्स लाइक, राइट? तो आपका जब 100 200 300 डॉलर के वो मतलब अपवर्क अपवर्क जो भी थे उस टाइम पे नाम उसमें से निकलते थे, तो यू वर लाइक यार ये तो मतलब कमाल है। बट इट डिडंट क्लिक फॉर मी कि हाँ यार इसका क्या मकसद है, राइट? कि ये मैंने जो बनाए हैं मतलब आई आई हैव नेवर बीन मोटिवेटेड बाय मनी, तो वो मुझे कभी भी ना वो चीज फैसिनेट नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ लोग ये कह रहे थे, यहाँ लोग कह रहे थे कि जी कोई मतलब अमीर बाप का बच्चा बाहर पढ़ रहा है कॉलेज, उसने अपना होमवर्क नहीं करना तो वो आउटसोर्स कर देता था, ठीक है, तो वो भी उसके भी मार्केट प्लेस थी। तो एक दो बार किसी के ऐसे आ गए कि ऐसे लिख दो, वो भी ट्राई किया, वो भी एक दो बार किया तो हुआ कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब आई डोंट आई डेंट अंडर इट डेंट क्लिक फॉर मी कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं लोग जरूर कर रहे हैं बट डजंट मेक सेंस फॉर मी। सो दैट्स व्हाई आई आई नेवर वेंट डाउन दैट पाथ। एंड आई नो मतलब हमारे बहुत से यू नो दोस्त यार हैं जिन्होंने तब से शुरू हुए हुए हैं, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन दैट दैट नेवर यू नो हिट फॉर मी। व्हाट हिट फॉर मी वाज कि यार कोई चीज खुद से क्रिएट करनी है। सो जो चौपाल की स्टोरी है वो बेसिकली ये है कि 2007 का जो समर था, मैं 2006 में लम्स आया था, तो यू नो एज अ राइजिंग सॉफ्टमोर जो समर ब्रेक थी, उस समर ब्रेक के शुरू में मैं मरियम अफजल मैं और मरियम अफजल गए उमर साहब के पास, जिसके साथ हमने एक आधा का कोर्स लिया था उस टाइम पे, थी कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स जो वो था स्कीम में। तो वी वेंट टू हिम एंड वी सेड कि भाई यू नो इस तरह ताजवर अवान होती थी हमारे साथ, ताजवर यूज टू वर्क विद उमर साहब ऑन आई थिंक सम सम राइटिंग प्रोजेक्ट। तो वो उसने कहा कि हाँ मतलब यू नो वो उमर साहब है, वो बड़ा मजे का बंदा है, तो मैं उससे कनेक्ट करती हूँ, और वो हमें ले गई मुझे मरियम को उमर साहब के पास कि यू नो ये है तो इनसे कोई मतलब देर इंटरेस्टेड कुछ करना है। तो उमर साहब यू नो वॉज द ओनली पर्सन टॉकिंग स्टार्टअप स्टार्टअप यू नो इन लम्स एट द टाइम, और ही सेड कि भाई ये दो तीन आइडियाज हैं मतलब जिनमें एक है कि कोई वो ये क्या बोलते हैं उसको एड्रुइनो एड्रुइनो बेस्ड आप वो कोई मतलब हार्डवेयर प्रोजेक्ट कर लो, हार्डवेयर की मतलब बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो थी, और एक दो और आइडियाज थे मुझे भूल रहे क्या है। यहाँ उसने कहा कि यू नो मैं कभी पता नहीं वो उस टाइम पे बालाकोट में कोई एक अर्थक्वेक आया था 2006 का, तो जब वो टाइम था तो उस टाइम पे मैं वहाँ गया और वहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो गई, एंड यू नो द ओनली थिंग दैट कुड वर्क वाज यू नो मोबाइल नेटवर्क्स, सो आई क्विकली यू नो हुक्ड अप माय माय मॉडेम टू यू नो मॉडेम टू माय लैपटॉप एंड सेट अप दिस यू नो स्मॉल नेटवर्क वेयर मैसेजेस कुड देन बी ब्रॉडकास्ट। इन हाइंडसाइट आई फाउंड आउट लेटर दैट ही नेवर डिड दैट, बट दैट्स हाउ ही सोल्ड अस द आइडिया। बट the interesting thing was that he gave the idea which turns out had already been implemented in the US in the name of TXT Groups, जो बाद में याहू ने आई थिंक कंपनी एक्वायर की थी एंड याहू के अंदर चलता रहा, had already been implemented in India as SMS Gupshup. That company eventually you know grew to huge numbers and SMS Gupshup eventually pivoted into you know messenger bots. And वो बिरु सेठ उसके जो फाउंडर है वैली बेस्ड है, यू नो ही आई आई इंटरेक्टेड विद हिम एज वेल। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग अप ग्रुप SMS यू नो सिस्टम हैड बीन सॉल्वड अदर प्लेसेस, हैडंट बीन डन इन पाकिस्तान। एंड व्हेन आई से ग्रुप SMS सो पीपल टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी सिंपल, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनते हैं ना, इमेजिन वही ग्रुप बने SMS के ऊपर, और उस एक वक्त SMS फॉर द ऑडियंस ब्रॉडकास्ट हो लेट गया। मी जस्ट यू नो फॉर पर्सपेक्टिव, 2006 में SMS वाज द मेन कटिंग एज थिंग। SMS ही आप करते थे और आईफोन नहीं आया था अभी। सो या एग्जैक्टली आईफोन एग्जैक्टली 2007 मतलब में आया तेरह है। तेरह तेरह तो साथ में आया है बिल्कुल। तो उस टाइम पे बिकॉज SMS वाज द मेन थिंग और एंड SMS पैकेजेस वर द मेन थिंग, एंड यू नो हमारी जनरेशन उस टाइम पे पता नहीं कितने SMS भेजती थी, राइट? तो नेचुरली यू नो द प्लेटफॉर्म वाज SMS एंड आर सिंपल आइडिया वाज कि एक SMS आएगा और उसको हम भेज देंगे चार दोस्तों में, और एक जवाब आएगा वो भेज देंगे चार दोस्तों में। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं कहीं खाने वाने का, तो
तो आप एक मैसेज भेजें आगे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, लिटरली जो व्हाट्सएप करता है, राइट। सो वो हमने SMS से बनाया एंड दैट वॉज समथिंग दैट यू नो वॉज अ ग्रेट इम्पिटस टू लर्न हाउ टू कोड, बिकॉज लम्स बींग अ लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम वेयर देर नॉट द करिकुलम इज नॉट डिजाइन टू टीच यू कोडिंग। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लम्स, कि लम्स का CS करिकुलम जो है वो कोडिंग नहीं सिखाता, वो आपको सिखाता है कि आपने कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट की तरह सोचना कैसे है, राइट। कि लॉजिकल थिंकिंग, इसलिए वो आपको एक हल्का सा कोर्स करा देंगे C++ में उस जमाने में, हल्का सा कोर्स स्कीम में, हल्का सा कोर्स जावा में, राइट। एडवांस प्रोग्रामिंग जावा तो मैंने आई गेस लिया जूनियर सॉफ्टवेयर ईयर में, बट यू नो इन दैट समर ऑफ 2007 आई बेसिकली डिड नॉट नो हाउ टू कोड इन जावा एट ऑल, बट विद दिस आइडिया यू नो मरियम एंड आई वेंट एंड वी बेसिकली लर्न हाउ टू कोड एंड सेट अप द फर्स्ट सिस्टम फॉर चौपाल। और हमने पर 2007 का जब समय खत्म हुआ तो आई गेस मे बी अक्टूबर 2007 के आसपास you know we then you know launched this service, aur uske liye humne lums mein ek wo scavenger hunt rakha aur usme kafi sare log aaye, aur then you know the story goes on, but basically that was when the whole thing started and that's how it started. So Achha. I just to you know correct the record, I wouldn't say it was you know Umar Saif starting it. Oh, so like what would you say then, who started it? The two of us went to Umar Saif. Okay. उसके बाद 2-3 महीने उमर साहब के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, हमने खुद से चीज पूरी बनाई। ही थॉट के जिस तरह आते हैं बहुत से बच्चे प्रोफेसर के पास, ऐसे ही आए हैं, राइट, और ये चले जाएंगे उसके बाद, मतलब यू नो आइडिया लेके यू नो करें ना करें मुझे क्या पता, एंड मोस्ट पीपल नेवर कम बैक, देयर लाइक क्या समर है, समर में कौन काम करता है, राइट। तो दैट वॉज द आइडिया एंड यू नो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू नो आई कैन एक्चुअली यू नो talk a little bit more about it. So who are you? I am interested. We can possibly do a separate podcast on each of your products. I can already sense that this podcast can go on for 5 hours, but that's not the format. I mean, we have like an hour and maybe 90 minutes for one podcast, and I will we'll probably have a separate podcast on one of each of your products. But like in Chopal, how many months did it take you to from starting and from conception to launching the product? 3 months. Aur uske baad 3 months significant traction lene mein kitna time laga? I think jo lums ki apni community thi na, jo students the baki the, usme to traction bahut jaldi mili thi, kyunki again 2007 mein you know SMS was the thing. And the way you know we onboarded a user was simply ke you know maine aapko ek group mein add kiya, aapko SMS aaya and you signed up, and eventually you know we'd ask you to create a user password and so on, all those things, but or username, not even a password, there was no web you know component to it. To shuru to wahan se kiya, shuru to bahut jaldi ho gaya, initial traction bhi mili, lekin phir sawal tha ki ab isko lums ke beyond kaise grow karna hai. तो वो ग्रो करने के लिए फिर एक पूरा एक गुरिल्ला मार्केटिंग स्कीम क्रिएट की, जिसमें मतलब आई फाउंड एन एम्बेसडर, यू नो स्टूडेंट एम्बेसडर, इन रिक्रूटेड वन इन एवरी मेजर स्कूल कॉलेज इन ऑल ऑफ पाकिस्तान, राइट। एंड दिस इज यू नो इम्पोर्टेंट बिकॉज लिटरली पूरे पाकिस्तान के जो मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस जितने भी थे, उन सब में कर करा के एक आधा बंदा मैंने ढूंढ लिया था, एंड दैट्स यू नो फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू that is the kind of stuff that I enjoy doing more than writing code. So in the 3 years or so that Chopal, you know, that I was involved with, and eventually you know I can go into what happened with it, but un 3 saalon mein mera role code maine bahut sara likha, but code writing was the lesser part of my duties. I was doing basically everything else as well, designing the logo, जिसको partnership with the mobile operator and so on. जिसको technical terms में growth hacking कर कहते हैं, वो आप कर रहे थे? Growth hacking भी, product management भी, marketing भी, partnerships भी, business development भी, so it was a lot of thinking on your feet and you know like trying things and you know like doing whatever needs to be done, right? So और जो सवाल था ना कि जो उमर साहब का जी की जो बात थी वो थी कि 2008 मेरे ख्याल में मतलब गुजर गया जिसमें ट्रैक्शन बढ़ती गई बट द थिंग ओनली बिकेम सीरियस
I believe in the summer of 2008, like a year or so in, when Confiz launched a competitor called Simobo. Mango Party. Yeah. Huh? And that Mango later, later on became Simobo, right? I think it maybe, I think eventually became that. Before that, it became Uphone Group SMS. Oh. So there were two paths we could have taken. One was ki hum isko chalaye independent service, which is available on all networks. The other was to do what people did at the time, which is to go down, you know, with one operator. Pick one operator, become a white label service. Oh. So Confiz ne software play kiya aur humne startup play kiya. Confiz ka play tha ki Uphone ko license kar do. Aur Uphone sab ki deal thi ek saal ki. Ki is ek saal mein ye exclusive hai Uphone ke members ke liye. To saal baad, you know, their deal finished. After which they made it open to everybody else. I think that's when it became Simobo. Okay. But for a while, you know, we went down there too. But importantly, when Confiz got involved and Mango Party became a thing, that's when Umar Saif took interest. He didn't even sign up, you know, on the plan. Never used it for maybe over a year. Okay. Let alone, you know, writing code or anything else. But there was no involvement whatsoever. Okay. So two things. This sounds very, very interesting, and I want to spend some more time on it. Give me hard numbers. Like, kitne log sign up the, kitna revenue aa raha tha, kya potential tha, and Confiz kitne paise bana raha tha Uphone ki deal se. Give me those numbers. Confiz kitne paise bana raha tha? Ye mujhe nahi pata. But I'm sure it was significant because. They had licensed this, you know, software to an operator, right? So, us time ke hisab se, maybe, you know, ₹1 million deal, ₹2 million deal for the year, you know, wouldn't be off the table. Okay. And I'm saying this because there were a couple of people who approached me to, you know, license the same software, and the numbers thrown were in the same range. Okay, so what was your thinking? What was your thinking process? आपने उसको कैसे सोचा और क्या decision लिया और क्या critical क्या discussion हुई और वो कितनी significant थी? Just talk, just you know, like founder's dilemma की बात करते हैं ना, जब आपने major decision लेना होता है तो how does that happen? I think जो थी ना उस वक्त, I guess the right way to put this would be के आप ये सारी चीजों के डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपको एडवाइस क्या मिलती है, राइट? कि आपके आसपास और लोग कौन है, राइट? उस वक्त खिचड़ी ये थी कि ये 2007-08 की बात है, राइट? तो ये मतलब स्टार्टअप का लफ्ज ही पाकिस्तान में उस वक्त नहीं था. ये जितने इनक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स हैं सारे, दीज आर ऑल आफ्टर दैट. देयर वाज नोबडी. And I deliberately said nobody, you know, knowing that there must be some people, but they did not exist in my, you know, circle, okay. Right? Or my, you know, realm of existence. Okay. Ke meri mujhe pata bhi ho unka nahi. Jinka pata tha, wo the Munis Rehman, jiska again I never knew him directly. Umar Saif knew him. So hamare liye, matlab, to put it, you know, short, basically the only, you know, advice point also was Umar Saif. Right, and his own understanding was based on what he had seen. He had never done this before, okay. Right? And he also, again, you know, to put it very bluntly, wasn't in it for the same reasons as okay. us. Okay. Right. Okay. We were in it for the idea that yaar, a company banate hain, and this is it. This is what we're doing. Right. So you think differently, and you think more aggressively, and you think about raising money and giving up. Equity, the way startups think. Yes. 10% deke itne waste karunga, and depending on what stage I am at, am I at the prototype stage, am I at the build stage, am I at the growth stage, am I at this at the mature stage, you raise money accordingly for this for what you need it for. Wo kabhi nahi hua, because har dafa, because overall hamari samajh bahut limited thi, internet ke upar cheeze thi, but again bahut limited thi. Wo ye Paul Graham ka blog padte the, ये जो वाईसी का फाउंडर है, तो उस किस्म की चीजें थी. बट अदरवाइज ऑनेस्टली 13 इयर्स अगो, यू नो, दुनिया बहुत फर्क थी. तो हमारी समझ इतनी थी, हमने उसके हिसाब से किया. और उमर सैफ के साथ फिर इख्तलाफ बहुत सारे थे, एंड आई कैन गो इनटू दैट इफ यू वांट, बट
basically, the thing just then became nothing, basically. ओके बट यू हैवंट टोल्ड मी स्टिल योर नंबर्स, कितने लोग मैसेजेस भेज रहे हाँ, थे? श्योर या नंबर्स हमारे थे कि हमारे जो थे ना साइंड अप यूजर्स बाय द एंड ऑफ इट दे वर ऑलमोस्ट 1 मिलियन साइंड अप यूजर्स. कितनी देर बाद, लाइक टाइम फ्रेम भी बताए ये ना. थे टाइम स्केल था बेसिकली टिल आई वाज इन्वॉल्व एंड ऑफ लाइक मई 2010. May 2010, like after about 2-3 years, three years I was 3 years, from starting and you maybe had 2 years from you had a million user who signed up, and how were like how many were of those were active users? Some thousand, yeah, not even 100,000. Okay, यही हमारा मसला था कि by the end of it we rebuilt our technology once in 2009. बिकॉज हमने जिस तरह पहले बनाई थी वो उसमें काफ़ी मसले थे. हमने वो मल्टी थ्रेडिंग वगैरह ऐड की उसमें, वो सब कुछ किया. हमने मोबाइल ऑपरेटर के साथ पार्टनरशिप की जॉम के साथ. हमारी पार्टनरशिप भी थोड़ी मतलब डॉजी थी. आई वॉन्ट गो टू डिटेल्स, आई कैन आई डोंट इवन रिमेंबर द डिटेल्स नाउ, बट आई रिमेंबर दैट द पार्टनरशिप वॉज इन क्लीन, जिसकी वजह से हमारा लाइन लॉस बहुत था मैसेजेस में, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट की, जिसकी वजह से हमारे एक्टिव यूजर जो है ना, many people were interested, they would come on to try it and then they would get disappointed and not continue. ओके ये मुझे बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम लगती है. एक तो टाइम आपके पास विंडो कुछ सालों की थी, क्योंकि उसके बाद फिर स्टार्टअप्स ने आ जाना था और SMS was less of less relevant with every passing year. आई मीन व्हाट्सएप आ रहा था, आईफोन का आई मैसेजेस आ रहा था, ब्लैकबेरी आ रहा था. सो लाइक इन दोज टाइम्स प्रॉब्ली यू वरंट अवेयर कि आपकी विंडो इतनी थोड़ी है. एंड सेकेंडली अनदर थिंग दैट आई सी, प्रॉब्ली यू नीडेड अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस एंड टाइमली एडवाइस, एंड यू नीडेड पीपल अराउंड यू हु सपोर्टेड यू, हु पुट अ पैट ऑन योर शोल्डर कि हाँ विल पुट मनी, विल पुट विल टेक अ लॉट ऑफ टेंशन अवे फ्रॉम यू, विल डिसाइड विल गिव यू एडवाइस कि किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, कैसे करनी है. एंड सेकेंडली गोइंग बैक probably I can see that you know more than the Chopal, the more than the SMS services, your biggest asset was your team, the people who were involved, because you could always pivot and build other products and services from that team, right? So like these, so zaruri nahi hai ki humne wo SMS bana ke hi paise kamane the. You could, you know, with that experience ek do saal baad aap aur bade challenges kar sakte the. 1 million is a, 1 million at that time was a big number. Like, you know, अभी भी 1 million जिसके पास होता है ना आज पर से 13 साल बाद, जबकि पाकिस्तान में 5-6 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और इंटरनेट यूजर्स हैं, तो अभी भी जिसके पास मिलियन नंबर होता है ना, तो वो एक is considered a big achievement. And we are talking about 2007. So you were in the company of greatness potentially. And would you say that, you know, like, would you agree with me that when I say that you sort of missed it, you thoroughly missed that sort of opportunity? Would you agree with me when I say that? Absolutely, absolutely. I think, you know, the jo ek do baatein maine nahi ki wo thi ki jis tarah revenue hai to hamara matlab what was our play ki humne paise kaise banane hain, right? To hamara paise banane ka play tha ki hum karenge contextual advertisement on the SMS, right? Which means कि जब लोग खाने की बात कर रहे हैं तो KFC का ऐड होगा, कपड़ों की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स का ऐड होगा, एंड सो ऑन. अब उसके अंदर भी जो चैलेंज था हमारा वो ये था कि वी वर ट्राइंग टू गेट मनी फ्रॉम अ मार्केट दैट वॉजंट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एडवर्टिजमेंट. वाई? बिकॉज गूगल एडवर्ड्स की अपटेक उस वक्त बहुत निग्लिजिबल थी, तो लोगों को कंटेक्चुअल एडवर्टिजमेंट की समझ ही नहीं थी पाकिस्तान की मार्केट में. प्लस हम लोग जा रहे थे, कह रहे थे कि SMS पे होगा, तो व्हेन यू एडवर्टाइज यू हैव टू थिंक ऑफ एट्रीब्यूशन कि जब मैंने ऐड लगाया है तो ऐड से हुआ क्या है. अब जो ऑनलाइन सारे मीडियम्स है एडवर्टाइजमेंट के उसमें एट्रीब्यूशन इज वेल डॉक्यूमेंटेड, बट जो टिपिकल एडवर्टाइजर थे उस वक्त वो सारे थे कि हम ATL या BTL एड लगाएंगे, विच मीन्स कि हम अखबारों में या TV पे या बिलबोर्ड लगाएंगे. उसकी तो हमें ब्रॉडली समझ आए थ्रू फोक विजडम कि इसका इतना फायदा होता है, इससे क्या निकलेगा. सो हमारी जो गो टू मार्केट की भी स्ट्रेटजी थी कि वी विल नॉट लाइसेंस, वी विल नॉट पार्टनर विद एन ऑपरेटर, वी विल एक्चुअली गो स्ट्रेट टू द मार्केट एंड ट्राई टू मेक मनी डायरेक्टली. सो
तो जो हमारी जो टॉप टीयर मार्केट थी वहां पे नोबडी वुड लिसन टू अस, द पीपल हु वुड अंडरस्टैंड अस वर द कोक्स एंड पेप्सीज। वहां चैलेंज था कि आपके सिर्फ मिलियन यूजर हैं, मिलियन में ट्रैफिक कितनी है आपकी। आई थिंक इन आर पीक द लास्ट ईयर आई वाज इन वर्ल्ड, वी बेसिकली आई थिंक वी मे बी सेंट अबाउट 1 बिलियन SMSs इन द ईयर। ह्यूज नंबर, बट दिस नंबर साउंड ह्यूज, इज ह्यूज, बट इज इट वैल्यूबल, हाउ टू मोनिटाइज इट। उसकी बहुत सी स्ट्रेटजीज निकालने वाली थी जिसकी सारी समझ मुझे बाद में आई कि मतलब अगर मैं तब मुझे पता होता या वो कहता जिस तरह आप कह रहे थे तो यू नो आई कुड हैव यू नो ट्राइड ऑल दोस थिंग्स। फिर जब हमने सोचा कि इसको मतलब अगर अगर टॉप टेल और टीयर वाले नहीं ले रहे तो लेट्स गो टू द लॉन्ग टेल, तो जो लॉन्ग टेल के पीछे हम गए तो मुझे याद है एक कैफे था गुलबर्ग में, कैफे जू के नीचे, डाउनटाउन कैफे शायद उसका नाम था उस वक्त। तो ऑफ ऑल द पीपल यू नो ही वॉज माई फर्स्ट कस्टमर जिसे 10,000 रुपए के एड लगाए। तो जब उस 10,000 मुझे दिए और उसने कहा कि एड में चल रही है, तो उसको मैंने कहा चल रही है, मैंने उसको स्टैट्स वगैरह दिखाए, तो मुझे वो कहता रहा फोन करके कि यार ये एड मुझे कैसे मिलेगा। मैंने कहा यार आपको एड नहीं मिलना, मतलब आप उसकी टारगेट मार्केट नहीं है, बिकॉज आपने मुझे खुद कहा है कि 15 से 25 या 28 की उम्र के वो लोग होंगे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ही कुड अंडरस्टैंड इट, सो आई ट्राई टू गो आफ्टर दैट इंटायर लॉन्ग टेल। मतलब मैं डिफेंस की, गुलबर्ग की एक एक दुकान पे लिटरली, मतलब जो कहते हैं ना यू नो पाउंड द पेवमेंट, मार्केटिंग में ये टर्म यूज करते हैं, मतलब आई वाज पाउंडिंग द पेवमेंट गोइंग टू एवरी शॉप टॉकिंग टू एवरी स्मॉल वेंडर की यार 2,000 रुपए दें, 5,000 रुपए दें और करें। तो हमारी इवन जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी थी वो ठीक नहीं थी। अच्छा, देर टू थिंग्स आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. द फर्स्ट इज़ के जब चौपाल की बात होती है, मज़े की बात है, आज मुझे इसी पॉडकास्ट में पता चला है कि यू वर द फाउंडर. लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल ट्राई टू टेक क्रेडिट फॉर इट. मैंने द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट, लाइक यू नो उमर सैफ प्रॉब्ली सेज प्रॉब्ली मैंशंस इट कि दैट चौपाल ही फाउंडेड चौपाल एंड योर नेम वॉजंट मैंशनड इवन इन द फाइन प्रिंट्स, राइट? And there's another friend of ours, Ali Rehan. He was involved as well. So I mean, was it a That's was it right. That's my oversight. So Mariam और मैं गए उमर साहब के पास, और उसी समर में इंटरेस्टिंगली इनफ अली भी, मतलब हमारा क्लास फेलो है, अली भी गया उमर साहब के पास सेपरेटली, ओके. और वो भी गया कि मुझे कोई आइडिया दे। तो उमर साहब ने उसको एक अलग आइडिया दिया कि एक SMS गेटवे बनाओ XMS के नाम से, जो कि 2007 के कुछ लोग थे तैयब वगैरह जिनको हु हैड वन सम कंपटीशन ऑन इट एंड दे डिडंट वांट टू परसू इट। सो उमर सैफ पेयर्ड अली रेहान विद फहद परवेज, दिस यू नो गाय फ्रॉम पास्ट। सो अली और फहद उस पे काम कर रहे थे, मैं और मरियम इस पे काम कर रहे थे, और उसी दौरान मतलब वी वर बोथ सिटिंग इन उमर सैफ लैब न्यूट, जहां पे हम उनको मिले, एंड यू नो दैट्स हाउ यू नो दिस द टीम वेन कंबाइंड। So the first four people were, you know, me and Mariam and Fahad and Ali. And then, you ओके know, like you were saying, in the company of greatness, so उसके बाद मतलब अली वेंट ऑन टू डू ग्रुप एक, और अब वो वैली में मतलब की ट्रकिंग में है, वो यू नो एंड प्रोडक्ट ही इज मैनेजर। एग्रीड टू कम इन फहद द PhD कर पॉडकास्ट. रहे हैं। ही इज एग्रीड टू कम टू द या या पॉडकास्ट. अली रेहान ने भी और मोनस रहमान भी आ रहा है. सो विल टॉक टू देम अबाउट दीज थिंग्स बिल्कुल। एज वेल. अच्छा, सो और लाइक फहद PhD कर रहा है वहां पे वॉशिंगटन में। अच्छा, इज इट अ प्रॉब्लम दैट यू नो डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम व्हेन पीपल डू नॉट गेट ड्यू क्रेडिट? वाज दैट अ कंसर्न? डिड यू एवर फील लाइक दैट के ये इशू था कि नहीं है, दिस इज नॉट एन इशू? एंड उमर सैफ का कंट्रीब्यूशन क्या था? वाज लाइक यू सेड एट सम पॉइंट ही वाज गिविंग यू द लैब स्पेस, ही वाज सॉर्ट ऑफ पैटर्नाइजिंग यू टू गिव यू लाइक ही वाज इट लाइक ही वाज मेकिंग श्योर दैट यू गेट द स्पेस टू वर्क ऑन? एंड डिड ही like spend his money on the on the startup? Like how much of the credit should go to him as well? आई थिंक के जो है ना ये बात क्रेडिट वाली, दिस इज ऑलवेज यू नो टेनुअस। सो इफ यू आर आस्क मी इन 2010, राइट व्हेन यू नो आई आई गॉट यू नो क्या कहते हैं उसको एक्सपंज, तो आई वुड हैव यू नो गिवन अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। इफ यू आर आस्क मी इन 2015, आई वुड गिवन डिफरेंट रिस्पॉन्स। 10 years, 11 years लेटर, राइट, मेरा रिस्पॉन्स ये है कि द फैक्ट के मुझे क्रेडिट नहीं मिला
या मुझे नहीं क्रेडिट मिलता, या मतलब मैं इसमें से मतलब किस तरीके से मतलब निकाला गया एंड सो ऑन. दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मेच्योर और इमेच्योर यू नो द इंडस्ट्री इज इन पाकिस्तान, राइट. सो यू नो देयर इज अ पर्सनल कंपोनेंट टू इट, बट देयर इज आल्सो एन इंडस्ट्री कंपोनेंट टू इट. कि जब ये हो रहा था तो उस वक्त इंडस्ट्री के यू नो जितने भी हैं कर्ता धरता वो वही है जो अभी भी है, राइट. यू कैन गूगल देयर नेम्स, यू नो ऑल देयर नेम्स. तो उन सबको पता था स्टोरी क्या है, उनको प्राइवेटली मतलब दे एक्नॉलेज द स्टोरी, पब्लिकली दे वर स्टिल रिकॉग्नाइजिंग समबडी एल्स बिकॉज यू रब माई बैक, यू नो आई रब योर्स, दैट्स दैट कंटिन्यूज. एंड आई डोंट होल्ड इट पर्सनली अगेंस्ट एनीबडी. आई थिंक इट्स बेसिकली अ फंक्शन ऑफ देयर इमेच्योरिटी एंड द इमेच्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्री. But I understand. Yeah. I'm not cutting you. Go ahead. So I think एक बात तो ये है कि जो generally है ना ये credit and so on इसकी बात है. और जो दूसरी बात है contribution की, वो contribution भी किस तरह से आपने contribute करना है, you know that has to be cleanly defined, right? And it has to be defined as early. And in as much, you know, detail and as much black and white as possible. The biggest mistake, you know, that we made was the fact that it was never defined. You know, everything I've told you, let me also tell you that Chopal as a company was never registered. Okay. 3 years operate kiya, million users the, billion SMS bheje, partnership ki, logon se paise liye, registry nahi hui company ki. Kyun nahi hui? All kinds of, you know, confusing reasons. बट नहीं हुई. सो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई और लंग्स के सॉरी 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 रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई लेकिन इंटरनल कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. इसी वजह से जब फिर इवेंचुअली जो जब चार लोग थे, जब चार से फिर दो रह गए, मैं और मरियम रह गए, बाकी ने छोड़ दिया. इसीलिए जब फाइनली जब जब होता ना कि जब अगर चीज बनी नहीं है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि यार हिस्से क्यों करने हैं. हिस्सा जीरो का हिस्सा क्या होता है, राइट. बट बाहर आपको सिखाते हैं कि यू नो जब जीरो इससे पहले कि 0.1 हो, यू हैव टू डिफाइन इट सो दैट यू नो द 0.1 डिवाइडेड बाय एक्स, देयर इज नो कंटेंशन, राइट. सो यू नो द थिंग आई वाज सोल्ड वाज कि नहीं नहीं, यू हैव टू अर्न योर इक्विटी, दिस इज स्वेट इक्विटी, व्हिच इज ऑल बुलशिट, राइट. मतलब व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट अर्निंग, यू नो यू आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन योर यू नो सेट रोल. That should be defined and you should be held accountable for it. That all was never defined. So eventually, jab, you know, at some point, 2009 mein, matlab 2008, 2009, I am now, you know, confusing the dates. But kabhi jab MSF se koi baat hui ke, you know, ab ye cheez serious ho rahi hai, aur koi paise waise raise karne hai. So that's when he found out ke actually nahi, idea to mera hai. You are basically just part of it. To tumhara 2%, tumhara 5% hai. To maine kaha, what the f- yeah. Ye kis tarah ho sakta hai? Okay. So that is how the cookie began to crumble. और चार में से दो लोग छोड़ गए, जो रह गए वो भी मतलब इतने interested नहीं थे. मतलब मैं फिर भी था, मैंने even एक मुझे याद है मैंने एक semester में courses भी कम लिए कि you know full जोर लगाना है, ये last year है. लेकिन you know the incentives were not aligned. Okay. So but you learned a lot, a great deal nonetheless, right? And ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद what were यू लुकिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स एंड हाउ डिड यू ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, टॉक अबाउट दैट ग्रेजुएशन के बाद. जब ग्रेजुएशन हुई तो आई टोल्ड मायसेल्फ कि मैं यू नो आई एम गोना टेक अ कपल ऑफ वीक्स ऑफ बिकॉज आई नीड द टाइम ऑफ. उसी दौरान ही वॉज ब्रिंगिंग समबडी सम अदर अ कपल ऑफ अदर पीपल ऑन बोर्ड दैट आई वाज टोल्ड दैट दे आर बीइंग पेड अ सैलरी. लेटर ऑन फास्ट फॉरवर्ड आई फाउंड आउट दैट दे वर नॉट बीइंग पेड अ सैलरी, दे हैव बीन टोल्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट इक्विटी एंड आई फाउंड आउट फ्रॉम देम दैट दे हैव नाउ रजिस्टर्ड द कंपनी एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट. सो दे रजिस्टर्ड चौपाल, या व्हिच देन गॉट रीब्रांडेड एज एसएमएस ऑल. दिस इज कॉल्ड लाइक, इसको तो कहते हैं दिन दिहाड़े चोरी, इसको कहते हैं like how can they do it. ha puche unki aake how can they do it, unko bula rahe podcast. ye to like this is
इसको तो डाका कहते हैं, किसी का प्रोजेक्ट है वो उस पर काम किया उसने, उसको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, उससे बात नहीं की, आपको चले कम परसेंटेज देते, ज़्यादा कर देते, डिस्कशन करते कि आपका फ्यूचर में क्या रोल है, लेकिन आपके पीछे से रजिस्टर करवा लेना, ये तो दिस इज अनएथिकल, दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओह तो मैंने मतलब उस वक्त व्हेन आई वाज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या मैं उठाता ईंट और मैं किसी के साथ फाड़ता, तो या मैं ना उठाता ईंट और किसी के साथ ना फाड़ता। तो मैंने कहा कि यार ईंट नहीं उठाते और लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस। ठीक है, एंड आई मूव्ड ऑन एंड आई यू नो पुट इन माय एनर्जी इन ऑर्गेनाइजिंग टेडेक्स लाहौर। तो टेडेक्स लाहौर 2010 में पहली बार पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई इवेंट हुआ था। सो यू नो आई वाज द यू नो मेन ऑर्गेनाइजर फॉर इट, यू नो बिल्ट अ टीम ऑफ 10-15 पीपल, यू नो गॉट इनक्रेडिबल स्पीकर्स, सारी वीडियोस उसके ऑनलाइन हैं, और यू नो अभी भी मतलब मैं देखता हूँ तो इट्स इवन काइंड ऑफ यू नो रिमार्केबल फॉर मी टू सी कि यार मतलब आई वाज डूइंग वे मोर एट दैट एज देन डूइंग नाउ। तो वो जो टेडेक्स आपने करवाया, आपका आइडिया कहाँ से आया और किसने आपको सपोर्ट किया इंडस्ट्री में, लाइक यू नीडेड प्लेस, यू नीडेड लाइक किन किन ने आपको हेल्प किया एट दैट टाइम? उस टाइम आप सब खुद ही करते हैं, मतलब आप जो है ना कोई मतलब अगेन पाकिस्तान एक बड़ी इमेच्योर जगह अभी भी है और तब तो और ज्यादा इमेच्योर थी। तो आपने इवेंट करवाने होते हैं, इवेंट करवाने में क्या जगह चाहिए, पैसे चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, किसी का आपने स्पीकर लेके आने हैं और टीम बनानी है आपने। तो उस वक्त लम्स में जब मैं था स्टूडेंट तो काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए थे, थोड़ी बहुत समझ थी इवेंट्स कराने की, लेकिन आइडिया इस तरह आया कि यू नो TED.com TED Talks उस जमाने में यू नो वर क्वाइट द रेज, और वो क्या कहते हैं एलिजबेथ गिलबर्ट और केन रॉबिन्सन और इन सब की टॉक्स जो शुरू में टेड पे आती थी, यू नो दे वर ऑल यू नो फैसिनेटिंग। तो 2009 में करवाया था हमने पहला TEDx लाहौर, लम्स में करवाया था, बहुत छोटा सा, इस पे ये जेब बंगश ने मतलब परफॉर्म भी किया था, बाबर अहमद माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज वाले जो हैं, बाबर गेव अ टॉक एंड सो ऑन। सो उस वक्त मेरे एक दो दोस्त थे बाहर अमरीका में पढ़े थे, वो आए समझ में, कहा जी वहाँ पे तो ये टेड होता है और टेडेक्स इवेंट्स होते हैं, एंड 2009 में ही दुनिया में टेडेक्स इवेंट शुरू हुए थे कि टेडेक्स का कॉन्सेप्ट था कि आप खुद से टेड के तर्ज पे आप अपना इवेंट होस्ट करें। तो 2009 में मैं छोटा सा इवेंट किया, टेड ने कहा कि आपने अगर बड़ा इवेंट करना है तो आपने टेड अटेंड करना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं अमेरिका आ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडिया में हम करवा रहे हैं 2009 में नवंबर में, तो आप इंडिया आ जाओ। मैंने कहा मैं इंडिया कैसे आऊँ, मेरे पास और $2,000 की टिकट है ये इसकी टेड कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ की, तो वो मैं कहाँ से दूँ। तो दे सेड कि भाई हम आपको फ्री टिकट देते हैं इवेंट की, यू नीड टू फिगर आउट अ वे टू गेट टू इंडिया। ओके, तो आपने अपना ट्रैवल खुद पे करना है, इनविटेशन हम भेज देंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल फिगर इट आउट। तो 2009 नवंबर में मतलब मैं पाकिस्तान से पहली बार जब बाहर गया तो वो मैं लाहौर से दिल्ली बस पे गया, और मैं दिल्ली गया, वहां पे एक रात रहा, बेंगलोर गया, टेड अटेंड किया। टेड भी एक मतलब एक अलग ही दुनिया है, तो वो टेड देखा कि मतलब एक उस स्केल पे कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। वापस आए, लाइसेंस लिया 2010 में करने का, और फिर 2010 में वो इवेंट पूरा किया, प्लानिंग कमीशन स्पॉन्सर किया, बहुत स्पीकर्स आए, बहुत मजा आया। आपने लाइसेंस टेडएक्स करवाने का लिया है कि टेड इवेंट करवाने का लिया? टेड का लाइसेंस नहीं मिलता, टेड का लाइट, टेड जो कंपनी है वो खुद करवाती है टेड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तो नहीं आ रहे। अच्छा, टेडएक्स भी कोई बंदा उठ के नहीं करवा सकता, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? लेना पड़ता है, लेना चाहिए, ताकि आपने अगर बाद में अपनी वीडियोस आप चाहते हैं कि टेड की वेबसाइट पे आए, ठीक है, तो उसके लिए, और आपने अगर उनका कुछ गाइडिंग मटेरियल इस्तेमाल करना है, गाइडेंस मटेरियल, तो वो एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए लाइसेंस। ठीक है, यू बेसिकली यू नो टेल देम कितना बड़ा इवेंट होगा, किस तरह के स्पीकर्स होंगे, एंड सो ऑन, एंड यू गेट अ लाइसेंस। सो मजे की बात टेडेक्स लाहौर की दूसरी ये थी कि टेडेक्स लाहौर पे एक स्पीकर था जुबैर भट्टी, ठीक है, फॉर्मर DC ऑफ झंग, ठीक है, ठीक है, और उसने झंग में एक मॉडल शुरू, एक चीज शुरू की थी जिसको बाद में अंसार बासी ने न्यूज में कॉलम लिखा और नाम दिया झंग मॉडल, जिसका कॉन्सेप्ट था कि आप गए हैं गवर्नमेंट के पास एक रजिस्ट्री करवाने और आपसे बाहर रजिस्ट्री मोहरर ने रिश्वत ली है, ठीक है, तो इसके बजाय कि आप जाके कंप्लेन करें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, आपको DCO रैंडमली
आप में से आपकी तरह के लोगों को रैंडमली डीसीओ खुद फोन करेगा कि जी मैं डीसीओ बोल रहा हूँ, आपने हाल ही में ये कराया है, तो मैंने ऐसे ही पता करना था कि हालात ठीक है, सब कुछ ठीक रहा। तो जुबैर भट्टी बींग द डीसीओ हिमसेल्फ बिफोर दैट, यू नो ही हैड स्टार्टेड दिस आइडिया विच ही स्पोक अबाउट टेडेक्स लाहौर, और मैंने उसके बारे में पढ़ा था अखबार में, न्यूज़ में होता है इंस्टेप मैगजीन, तो उसमें किसी ने फीचर किया हुआ था, तो यू नो दैट्स हाउ आई रेड अबाउट हिम। आई फाउंड आउट लेटर के यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसके वो मतलब मामू में लगते हैं दूर के, तो कनेक्शन निकल आया, उनको इन्वाइट किया। बट टेडेक्स लाहौर के बाद मैं उनको मिला एंड ही वॉज लुकिंग फॉर समबडी टू डेवलप दैट आइडिया फर्दर, एंड यू नो ही हैड लेफ्ट द गवर्नमेंट, ही वॉज नाउ पार्ट ऑफ एशिया फाउंडेशन, एक्चुअली ही हैड जॉइंड द वर्ल्ड बैंक बाय देन, एंड ही वॉज स्टिल हेल्पिंग द गवर्नमेंट स्केल अप द आइडिया। द गवर्नमेंट वॉज वर्किंग विद द कॉल सेंटर, बट द कॉल सेंटर वॉज स्ट्रगलिंग विद एडिंग एन SMS कॉम्पोनेंट टू इट, बिकॉज द आइडिया वॉज कि कॉल सेंटर से सबको फोन नहीं आ सकते, बहुत महंगे हैं, तो किसी तरीके से अगर सबको SMS चले जाए। तो मेरे से जब उनकी मुलाकात हुई, किसी ने उनको बताया, एक और मेरा स्पीकर था उमर शेख, उमर ने बताया जुबैर साहब को कि यू नो ये तो मतलब इससे बात करेंगे तो ये काम करता है। उमर भी लम्स के ग्रेजुएट थे 2003 का, तो वो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड एंड दैट इज व्हाट लेड टू द नेक्स्ट 4 years ऑफ माय लाइफ एट द वर्ल्ड बैंक। Okay, so what were you, I mean, just summarize what were you doing in the World Bank? तो वर्ल्ड बैंक में दो मेन काम थे। एक काम ये था कि यही जो आइडिया है जंग मॉडल का, विच लेटर ऑन बिकेम नोन एज पंजाब मॉडल एंड या सिटीजन फीडबैक मॉडल। सो द आइडिया बेसिकली वॉज कि इस आइडिया को स्केल अप करना है, और स्केल अप से मुराद ये है कि हमने दोनों मतलब इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के पूरे पंजाब में इंप्लीमेंट हो, एंड सेकेंडली जितनी सर्विसेज में इंप्लीमेंट हो सकते हैं उतने में इंप्लीमेंट हो। तो वॉट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम रजिस्ट्रीज went on to domicile, FIR, ये 15 की कॉलें, फिर आपका ये क्या होता है DNC, मतलब बहुत सारी मेडिकल डिलीवरीज के ऊपर, बर्थ के अच्छा ऊपर, ये मतलब प्रोग्राम, बहुत सारी ट्रांजेक्शन के ऊपर लगाने हैं। अच्छा ये प्रोग्राम अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये इवॉल्व हुआ है नेचुरली कि नहीं? ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में अब एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज काफ़ी सियासी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत बदलने के बाद नहीं एग्जिस्ट करती, और ये काफ़ी हद तक सियासी प्रोग्राम था, और वो सियासी सेंस में था कि जब जो मैंने सीखा मतलब गवर्नमेंट के साथ 4 साल काम करके, वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक लर्निंग थी कि हमने हमेशा सुना है करप्शन बुरी होती है, ठीक है, और करप्शन का जो व्यू है हम सब का वो बड़ा ब्लैक एंड वाइट व्यू है कि रिश्वत देने और देने वाले दोनों गुनहगार हैं, राइट, यही हमें इस्लाम सिखाता है। लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो जिसको बोलते हैं ना वेल ऑयल्ड मशीन, वो नहीं है। हमारा सिस्टम है चलता है ग्रीस से, ठीक है, तो पुरानी मशीनें उनको चलाने के लिए, काफी दफ्तरों में चलाने के लिए ग्रीस लगती है, ठीक है। अब द रीजन आई एम गिविंग दिस एनालॉजी इज कि मेरी जो थी ना जो व्यू था व्हेन आई वेंट इनटू दिस जॉब नोइंग जीरो अबाउट गवर्नमेंट। मुझे याद है मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था जुबैर भट्टी को एज ए स्पीकर टेडेक्स लाहौर के स्टेज पे, तो मैंने कहा था कि ये यू नो फॉर्मर डीसी ऑफ झांग, जिन्होंने झांग मॉडल के थ्रू करप्शन को 99% खत्म कर दिया। तो जुबैर भट्टी जब स्टेज पे आया तो ही काइंड ऑफ चकल्ड, लाफ्ड के यार नहीं, मतलब खत्म तो नहीं हो सकती करप्शन, लेकिन कम जरूर की है, राइट। सो जो मैंने सीखा गवर्नमेंट में वो ये सीखा कि करप्शन खत्म नहीं हो सकती, एंड इन मेनी केसेस दिस इज अ नेसेसरी इवल, बट द एनालॉजी दैट यू नो दिस सीनियर ब्यूरोक्रैट यू नो यूज टू यूज वॉज दैट आप इमेजिन करें कि एक पानी का तालाब है, उसमें मछलियां इंजॉय कर रही हैं, ठीक है, आप पानी के तालाब में हाथ डालें और हिलाएं, ठीक है, तो मछलियां जो हैं वो डरेंगी। अगर आप पानी के हाथ तालाब में हाथ वाले हिलाते रहे नॉन स्टॉप, इवेंचुअली मछलियां रियलाइज करेंगी कि यार ये तो मतलब शेर आया, शेर आया, शेर तो नहीं आया। सो आप पानी में तालाब में हाथ डालें, हिलाएं, निकालें, कुछ देर बाद फिर डालें, निकालें, एंड सो ऑन। सो ये जो है ना कि कीप द स्टाफ ऑन देयर टोज, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन पुलिसिंग, ठीक
विच आई वर्क ऑन यू नो मच लेटर, कि पाकिस्तान टाइप मुल्कों, इंडिया टाइप मुल्कों में जिस स्केल पे पॉपुलेशन है, वो इदारे जो अंग्रेजों ने बनाए थे चंद हजार लोगों के लिए, इस वक्त सर्व कर रहे हैं चंद मिलियन लोगों को, राइट? उस स्केल के ऊपर आप करप्शन नहीं खत्म कर सकते. क्यों? जब तक आप यू नो सिस्टमिक चेंज नहीं करते, बाय डिजाइन चेंज नहीं करते, जिसके लिए बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए, बहुत सारी विजनरी सोच चाहिए, बहुत सारा फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए. तो व्हेन दोस थ्री अलाइन थिंग्स चेंज, सो पासपोर्ट ऑफिस बदल गया, नादरा बदल गया, बट रजिस्ट्री वैसी होती है, एंड सो ऑन. सो वो जो चीजें हैं ना सारी, मतलब जहां जहां पे तब्दीली पॉसिबल है वो बड़े स्केल पे होगी, जहां नहीं पॉसिबल वहां पे यू नो माइक्रो चेंजेस के लिए लेट्स चेंज द नैरेटिव. और ये सियासी चीज इसलिए बन गई बिकॉज इवेंचुअली इट बिकेम लेस अबाउट कैचिंग पीपल हु वर करप्ट एंड मोर अबाउट चेंजिंग द नैरेटिव इन पीपल्स माइंड बाय यू नो हैविंग शहबाज शरीफ. मतलब हम शहबाज शरीफ घर गए, वॉइस रिकॉर्डिंग की शहबाज शरीफ की आवाज, शहबाज शरीफ ने मतलब की आवाज नहीं कहा, शहबाज शरीफ ने वॉइस रिकॉर्डिंग की कि मैं शहबाज शरीफ बोल रहा हूँ, आपने हाल ही में ब्ला 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 करवाया है, तो आपसे किसी ने रिश्वत मांगी हो, ज्यादती की हो, मैं आपको SMS भेज रहा हूँ, मुझे जवाब दें, आप ही की यू नो जवाब से तब्दीली आएगी, सो ऑन, बेहतरी आएगी. तब्दीली तो खैर इमरान खान लाता है, बेहतरी आएगी. अच्छा, तो मतलब आई कैन गो ऑन अबाउट दिस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना, ये भरी पड़ी है प्रोजेक्ट से जो कि दो चार साल बाद खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. पाकिस्तान की हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट्स व्हिच आफ्टर फ्यू इयर्स दे वैनिश इन थिन एयर, यू नो. एक बुक मैंने पढ़ी थी, हुमैरा की है, सो मच डेवलपमेंट, सो मच इन्वेस्टमेंट एंड सो लिटिल डेवलपमेंट, समथिंग लाइक दैट. सो मच एड सो लिटिल डेवलपमेंट. समी अल्ताफ की किताब है. किसकी किताब है? समी अल्ताफ. Sami Altaf, sorry, I have read that book cover to cover, and she sort of, you know, go on and on about, you know, Pakistan ka fundamental problem ye hai ki projects ki continuation nahi hai. Koi naya banda aata hai, nayi cheez start karta hai, aur uski political motivations hoti hain aur funding bahar se aati hai. Jab tak fund rehte hain tab tak wo project chal raha hota hai, paid log bhar lete hain, uske baad fir project wo band karke wo log gayab ho jate hain, theek hai. And this is happening again and again, और ये predictable cycle बन चुका हुआ है, ठीक है? तो I mean, बहुत सी नए projects start हो रहे होते हैं ना, so like you know from history के ये ना, this is like जब तक आप fundamentally चीजों को change नहीं करते, जब तक आपके जो change makers हैं, they are not constant. जब तक आपने एक चीज start की है ना, for example वो जंग model वाले भाई साहब ने चीज start की थी, जब तक वो कमिटेड नहीं है कि यार मैं 15-20 साल इसको लेके चलूंगा, वट एवर हैपन्स, ठीक है, जो मर्जी गवर्नमेंट आए जाए, मैं कोलैबोरेट करूंगा लोगों के साथ, आई विल फाइंड एलायज एंड आई विल, लेकिन मैं इसको, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तब तक प्रॉबेबली यू नो आप कंटिन्यूटी नहीं आएगी. आई डोंट एग्री विद दैट, आई विल टेल यू व्हाई. अच्छा, जो जो है ना ये आइडिया के आप उसको लेके आगे चलें, कंटिन्यूटी उससे आएगी, कंटिन्यूटी उससे नहीं आती मेरे नज़दीक. एक एक बंदे से कंटिन्यूटी नहीं आती, क्योंकि ये जो मॉडल है कि वी देन डिपेंड ऑन अ पर्सन इज नॉट सस्टेनेबल. मतलब वो बंदा किसी भी वजह से, अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस की वजह से कैन नॉट कंटिन्यू. चेंज आता है जब एक से दूसरी चीज शुरू होती है, एक से दूसरी चीज मतलब कनेक्ट करती है, चीजें ग्रो करती हैं, इदारे बनते हैं, और इदारों में मतलब तरीके क्रिएट किए जाते हैं कि इदारा चले कैसे, ग्रो करेगा, एक कंटिन्यूटी प्लान बनते हैं, कंटिन्यूटी प्लान्स फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. वो जो हम बात करते हैं ना पाकिस्तान में जमहूरियत की भी, कि एक हुकूमत आती है कि जी ये एक बंदे के पीछे हुकूमत है, अब उस बंदा जब तक कमिटेड है सब कुछ ठीक है, द मोमेंट दैट पर्सन इज आउट एवरीथिंग इज गॉन, राइट, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. Because the idea is that this is all person-driven. ये person-driven development is completely problematic. ठीक है. अमेरिका में हुकूमत बदलती है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज इदारे वहीं के वहीं है, राइट? इदारे का हेड बदलता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज इदारा वहीं का वहीं है. पाकिस्तान में आप एक किसी सेक्रेटरी का किसी को चेंज कर दें तो वो जो सेक्रेटेरिएट है उसका वो काम करना बंद कर देता है. Oh, yeah, जब आता है न्यूज,
जब न्यूज में टिकट चलता है कि हाँ जी, यहाँ न्यूज में टिकट भी क्या चलता है, जब एक जनरली सेंटिमेंट बनता है कि हाँ जी ये जो है ना सेक्रेटरी, ये इसकी बन नहीं रही चीफ मिनिस्टर के साथ, तो उसका जो नीचे अमला है वो उसके उसको लेना छोड़ता है सीरियसली फॉर द नेक्स्ट अ कपल ऑफ मंथ, जब तक हवा नहीं बदलती, क्योंकि इनको पता है जाने वाली ये अच्छा तो जाती अच्छा हवा है। चलें चलें, वो जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट कर रहे थे, इज इट कॉल्ड लाइक टेक्नोलॉजी फॉर पीपल इनिशिएटिव, ये सेम प्रोजेक्ट है नहीं, या तो उससे उसमें डिफरेंट वो मैं था? बताता हूँ कि बट जो जो दो चीजें, ये जो प्रोजेक्ट है पंजाब मॉडल, ये आगे इसलिए नहीं बढ़ा, या ये बढ़ा तो काफी आगे तक, लेकिन इवेंचुअली मतलब यू नो नाउ 7 years लेटर व्हाई इज इट फंक्शनल एनी मोर, इज बिकॉज ऑफ द अदर थिंग आई लर्न इन यू नो इन वर्किंग विद गवर्नमेंट, के इस मैसिव स्केल की जो ना ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चेंज लाने के लिए, जिसको चेंज मैनेजमेंट बोलते हैं ये कंसल्टिंग टर्म्स के अंदर, मैकिन्जी चार्जेस यू नो सो मच फॉर चेंज मैनेजमेंट कंसल्टिंग, चेंज मैनेजमेंट ये होती है कि आपने जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है ना लोगों का, नॉट इदारे का, लोगों का पर्सनल, राइट, यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू अलाइन इंसेंटिव बाय क्रिएटिंग बोथ इंसेंटिव स्कीम्स एंड अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स। सही ठीक है, काम करोगे तो आगे बात जाएगी, नहीं करोगे तो बात आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब एग्जांपल क्या है कि जब हमने पंजाब मॉडल बनाया, स्केल किया, एक टाइम पे दिन में 10-10 हज़ार लोगों को फोन जा रहे थे, डेटा आ रहा था, एक्शन हो रहे थे, यू नो व्हाट आवर स्ट्रगल वाज, हमारा स्ट्रगल ये था कि करप्शन खत्म करना काम किसका है, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन लाइक एक्सप्लेन इट लिटरली प्लीज। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन जिस तरह लोग काम करते हैं, एक डॉक्टर है वो जो क्लिनिक में काम करता है तो वो काम करता है किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत, ठीक है, राइट, रजिस्ट्री मुहर्रर है वो भी काम करता है जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत, लाइसेंस के तहत, जो उसकी जेडी है वो जेडी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर की जेडी में करप्शन लिखा खत्म हुआ करना है। नहीं लिखा हुआ। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो क्या करप्शन के लिए तो हमारे पास पॉइंट ये नैब, है, करप्शन के लिए हमारे पास नैब नहीं है? नैब का काम है करप्शन खत्म करना। एग्जैक्टली सो हमारा जो करप्शन खत्म करने का जो निजाम है वो एक्स्ट्रा वो है ऑर्गेनाइजेशनल, इदारे के अंदर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो है कि कोई बाहर से आएगा तो किसी ने फड़ लिया तो फड़ लिया। So are you तो जो saying, इदारे का हेड, फॉर आई गिव एग्जाम्पल, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इमेजिन करें एक सिस्टम जिसमें पूरे पंजाब के सारे अस्पतालों में जब भी डिलीवरी होती है, ठीक है, लोगों को SMS गया, फीडबैक आया, क्वांटिफाई हो गया, चार्ट बन गया, नाउ द एक्शन इज रेडी टू बी टेकन टू सस्पेंड समबडी, राइट, ओके, हूज जॉब इज इट? इज इट द जॉब ऑफ द MO? इज इट द जॉब ऑफ द हेड ऑफ द हॉस्पिटल, ऑफ द EDO हेल्थ, जॉब ऑफ द सेक्रेटरी, जॉब ऑफ द मिनिस्टर हेल्थ, राइट, टू गो आफ्टर करप्ट यू नो डॉक्टर्स? अब आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं इसमें इंटरेस्टेड बिकॉज उनको वोट मिलते हैं इस बात पे, बट अब अगर जो तरीका है आपका वारदात है, अगर आपका तरीका ही उनको सही करने का ये है कि सस्पेंड कर दो, वो भी सही तरीका नहीं है, राइट, अगर एनजीओ में कोई बंदा काम सही नहीं करता, 10 छुट्टियां करता है, तो वो क्या उसको सस्पेंड कर देते हैं? नहीं करते सस्पेंड, वो उसकी उसको उसकी फाइल में वो कहेंगे कि जी आपके खिलाफ एक डिसिप्लिन एक्शन हो रहा है, राइट, उसकी पे डॉक कर लेंगे। तो वो जो है ना तरीके सारे, मतलब देर ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड यू वर्क अकॉर्डिंग टू दोज मेथड्स। वॉट वी फाउंड वॉज दैट गुड सर्विस डिलीवरी, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, बोथ यू नो बोथ साइड ऑफ इट, सिर्फ करप्शन नहीं, करप्शन खत्म करना किसका काम है, सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट करना करवाना किसका काम है, वो भी किसी का काम नहीं है। अगर एक EDO हेल्थ अपना इधर चलाता है जिला अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, दोनों तरीकों से नथिंग हैपेंस बाय हिज जॉब डिस्क्रिप्शन, नोबडी कैन टेल हिम यू डिडंट डू योर जॉब, कि जी आपके जिले में तो डिलीवरियां जितनी हुई थी उससे कम हुई है नेबरिंग जिले के मुकाबले में, या हिस्टोरिकल ट्रेंड के मुकाबले में, या NGO के सर्वे के मुकाबले में। सो व्हाट वी इवेंचुअली फाउंड वाज दैट वी वर प्रोड्यूसिंग डेटा, द डेटा वाज एक्शनेबल बट नो एक्शन वर बीइंग टेकन बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैड नो एपेटाइट फॉर इट। तो कोई दो चार लोग आ गए, जब पोलिटिकली हमने उसको अलाइन किया तो चीज थोड़ी देर चलती रही, बट डे टू डे जो ना जिस तरीके से है कि आपने सुबह रजिस्ट्री में आके अटेंडेंस मार्क करनी है, हाउ दैट इज इनग्रेन्ड कि वो करनी करनी है, वैसे सुबह आके आपने फीडबैक मॉडल के ऊपर फीडबैक पढ़ना है, वो नहीं पढ़ रहे लोग बिकॉज कहीं लिखा ही नहीं है।
दैट वॉज द इंटरेस्टिंग लर्निंग. सो व्हाट आर द लोग लर्निंग? नौकरी अच्छा करते हैं अभी, जेडी के हिसाब से. अच्छा जेडी के हिसाब से करते हैं और इट्स मैं आई वांट टू मूव ऑन बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक व्हाट आर द वन टू क्रिटिकल थिंग्स दैट नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड फॉर इट टू वर्क बेटर? जस्ट एक दो सजेशंस मुझे दे दें, सॉर्ट ऑफ लोगों को समझ आ जाएगा. अच्छा इससे लर्निंग पॉइंट ये है, आसिम ने 3-4 साल इस पे काम किया है, उसका लर्निंग पॉइंट ये है. मेरा मेन लर्निंग पॉइंट ये था कि जो आप पहले सवाल कर रहे थे ना कि ये चीज़ चली कि नहीं उसके बाद, और मैंने कहा कि इदारे नहीं है तो ये पर्सन ड्रिवन या फंडिंग ड्रिवन या यू नो सेंटिमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, दीज कांट वर्क. एंड सेकेंडली जो मेरी लर्निंग थी, या दीज दीज वर्क बट दे कांट स्केल, दे कांट सस्टेन. सेकेंड मेरी लर्निंग थी कि आपने अगर पाकिस्तान में जाके तो में बैठ के और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जहाँ पे एक रेडीमेड कॉल सेंटर इंडस्ट्री के हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टीआरजी को इवेंचुअली इस्तेमाल कर रहे थे, टीआरजी वाज गिविंग अस गुड क्वालिटी सर्विसेज, बट हाउ डिड टीआरजी ऑलरेडी एग्जिस्ट? नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट यू नो पेट्रनेज. टीआरजी एग्जिस्टेड बिकॉज दे वर वर्किंग फॉर डेल एंड लॉट्स ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, राइट? तो मेरी लर्निंग ये थी कि यार जिन चीजों के प्रोडक्ट के सोल्यूशन बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं. जैसे कि हमारा जो दूसरे मेजर में जिस पर काम किया वो था कि स्मार्टफोन से डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए एंड सो ऑन. वो भी हमने फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया, ओपन डेटा किट पहले का बना हुआ था, हमने इस्तेमाल कर लिया. बट आपने काम करना है पुलिस के साथ, आपने लोकली उर्दू जुबान में चीजें बनानी है, वो एग्जिस्ट नहीं करती. प्लस वर्ल्ड बैंक इज नेवर गोइंग टू मेक देम, बिकॉज द वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ सॉफ्टवेयर वेंडर. ठीक है. वर्ल्ड बैंक इज नेवर गोइंग टू डिजाइन दोज थिंग्स, बिकॉज वर्ल्ड बैंक का इंसेंटिव ही नहीं डिजाइन करने का, वो कभी लाइसेंस करेगा ही नहीं. सो दैट इज वॉट यू नो देन इज अ गुड सेगवे इनटू टेक्नोलॉजी फॉर पीपल इनिशिएटिव. बिकॉज पीपीआई शुरू मैंने इस तरह किया कि जब मैं वर्ल्ड बैंक वाला काम कर रहा था तो यही जो है ना मसला हो रहा था कि यार हम अब समझ भी आ गई है गवर्नमेंट की, अब चीजें बनाने को दिल भी कर रहा है लेकिन वर्ल्ड बैंक ने हाथ बांधे हुए हैं कि वर्ल्ड बैंक तो नहीं बनाता बाय यू नो बाय पॉलिसी, राइट? दूसरी साइड के ऊपर मतलब मैंने बदर खुशनूर उस टाइम पे गूगल में था, बदर को मैंने बात की यार आपके हम ये स्मार्टफोन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट को इंकरेज कर रहे हैं कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करें, गूगल किट ऑप्शन हो, गूगल मैप्स, गूगल ओपन डेटा किट, गूगल फ्यूजन टेबल, गूगल यू नो हर चीज गूगल है. तो हम गूगल गूगल कर रहे हैं, गूगल में पैसे को नहीं दे रहा, गूगल पैसे को फंड कर रही है इस चीज को. तो बदर ने कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ. फास्ट फॉरवर्ड मतलब बदर ने कहा कि $50 यू नो हम इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो $50 के हम स्मार्ट फोन ले सकते हैं, जो भी चीज करनी है, बट दिस वन प्रॉब्लम, द मनी कांट गो टू गवर्नमेंट, द मनी ओके हैज टू okay. गो टू अ नॉन प्रॉफिट. अच्छा चले मैं आपको गूगल बताता डजंट गिव हूँ. मनी टू. अच्छा आसिम, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है. हमारे पास 15 मिनट और हैं जिसमें हमने ये सब कुछ समराइज करना है, और मैक्सिमम 20 मिनट और हैं, 15 से 20, उसके बाद आई हैव टू गो समवेयर. अच्छा एंड यू नो लाइक उसमें हमने ये सारा समराइज करना है. वी हैव हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, और आई विश एंड आई एम श्योर विल बी एबल टू यू नो हैव मोर पॉडकास्ट इन फ्यूचर. हम हर एक में डिटेल में जाएंगे. अब लेकिन टेक्नोलॉजी फॉर पीपल इनिशिएटिव, आपने बदर खुर्शीद से बात की, बहुत अच्छा उन्होंने आपको फीडबैक दिया, इट्स वेरी गुड. आपने पिच भी बड़ी अच्छी की. टेक्नोलॉजी ऑफ पीपल इनिशिएटिव में आपके अलावा ये आप अकेले ही काम कर रहे थे शुरू में, या आपके साथ और लोग भी थे, लाइक माइंडेड लोग थे? नहीं सर, टीपीआई शुरू इस तरह हुआ कि एक तो बजट से पैसे आए, बट पैसे आने के लिए जाने हैं किसी नॉन प्रॉफिट को. इन पैरेलल इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन मैंने सैयद खान जो लम्स प्रोफेसर है या थे, तो मैं सैयद खान को मिलने गया और उनको मैंने कहा कि आप ऑलरेडी अपने सेबेटिकल में यू नो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी लाइक माइंडेड, राइट? सो जब मैं लम्स में था, यू नो टू टेक इट बैक फुल सर्कल, वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज नॉट रॉकेट साइंस, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है. तो ये लम्स के बच्चे क्यों नहीं काम करते इसके ऊपर, वाई डोंट दे गेट यू नो इंट्रोड्यूस टू दीज आइडियाज मच अर्लियर ऑन? तो ही सेड के ऑफकोर्स मसला कोई नहीं है, ये तो करना चाहिए, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, लेकिन इसके मतलब फंडिंग कोई नहीं है, मतलब इसकी इसको बैक कौन करेगा? तो मैं बदर के पास गया, मैंने कहा यार गूगल तो देने को तैयार है पैसे, तो लम्स नॉन प्रॉफिट है. एंड विद इन 2 वीक्स द $50,000 वेंट टू लम्स, ठीक है. और सोहेब खान और मैंने मतलब ये सेंटर शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी फॉर पीपल इंस्टीट्यूट, टीपीआई. ठीक है. सो उन्होंने आपने टीपीआई आपने कुछ रजिस्टर करवाई, कुछ दिया, कि बस उन्होंने ऐसे ही चेक काट दिया लम्स के नाम?
नहीं, सो टीपीआई वाज नॉट रजिस्टर्ड, इज नॉट एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट. ठीक द है. आइडिया वाज कि हमने लम्स के अम्ब्रेला के अंडर एक सेंटर क्रिएट करना है. यूनिवर्सिटीज में सेंटर्स होते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन सेंटर एंड दिस इज गोइंग टू बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लम्स. तो पैसे लम्स को आए और लम्स के थ्रू टीपीआई को मिले. एंड वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, बट देर आर यूनिवर्सिटी में जिस तरह रिसर्च के पैसे आते हैं वैसे ये पैसे भी आए, और जिस तरह प्रोफेसर रिसर्च करते हैं उसी तरीके से हमने पूरे सिस्टम सेटअप अच्छा, किए कि तो कैसे काम आप किया जब जाएगा. लम्स के पास पैसे आए तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आप उस एडमिन और ब्यूरोक्रेटिक चीज में फंस गए, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए और उसकी परमिशन लेने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए? वॉज इट लाइक, बट ऑब्वियसली यू मस्ट हैव गेन्ड अ लॉट बाय बीइंग एसोसिएटेड विद लम्स. तो उसके बाद आपने क्या इनिशिएटिव लिए और क्या उनकी सक्सेस हुई, क्या फेलियर हुई? जस्ट सम 5 मिनट इस पे करते हैं, उसके बाद विल गो टू विल फॉलो यू इन इन सिलिकॉन वैली एंड टोरंटो. राइट. सो उसके बाद जो दो तीन चीजें थी मेन, एक ये थी कि हमने अब टीम क्रिएट की और हमने बेसिकली कोशिश की कि इसको एक इदारा बनाए जिसमें मतलब पोजीशंस हो लोगों की, प्रॉपरली रिक्रूटिंग हो, लोग आए, लोग मतलब पीपल आर नॉट टाइड टू अ प्रोजेक्ट, दे आर टाइड टू द सेंटर. सो फंडिंग आती जाती रहेगी, फंडिंग मतलब पूल होगी, उसके थ्रू हम लोगों को हायर करेंगे एंड सो ऑन. तो हमने इसमें मतलब काफी चीजें की. मतलब मैंने 2.5 साल इसको चलाया सेंटर को. उस 2.5 साल में हमने इवेंचुअली व्हेन आई लेफ्ट द टीम वाज अबाउट 15 पीपल, जिसमें कुछ डेवलपर्स थे, कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. उसमें मतलब काफी बच्चों को हमने इंटर्नशिप दी. इवेंचुअली मेनी ऑफ देम वेंट ऑन टू डू यू नो ग्रेट थिंग्स. तो जो काफी लोग जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़े थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी वगैरह, मतलब एंड दे वुड कम बैक फॉर द समर, इवन दे वुड वर्क विद अस. तो जो मतलब माय प्राउडेस्ट मोमेंट यू नो एट टीपीआई वाज वर्किंग विद द पुलिस on building a crime mapping and a crime analysis you know system for them, jisko humne basically from scratch you know create kiya. Jaise paper maps create kiye, matlab online map, online tool banaya, unki training ki, aur eventually phir Punjab IT board, like everything else that you know I worked on with the World Bank and so on, they took up the idea and then they you know have scaled it up as I've heard. So TPI ka model you know in a nutshell was not to be a software vendor कि हमने गवर्नमेंट से कम्पीट नहीं करना, हमने एक वेंडर बन के यू नो ता हयात तक एक सॉफ्टवेयर को नहीं बेचना. हमने बेसिकली लम्स की फैकल्टी जो रिसर्च करती है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स पे या अप्लाइड प्रॉब्लम्स पे फॉर पब्लिशिंग, उनको हमने इनकरेज करना है, इनेबल करना है कि वो पब्लिक सेक्टर प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर सके. सो द सेम प्रोफेसर हु डज कंप्यूटर विजन रिसर्च एंड पब्लिश इन द टॉप सीवीपीआर टाइप जर्नल्स is going to work with the Lahore police on problems of policing. ठीक So है, that is the organization that we created ठीक and है, eventually you know I moved on, but वो इधर अभी भी चल रहा है और चल रहा वो है. काम कर रहा है. अभी कितने टीम मेंबर्स होंगे इस इदारे में? आई थिंक स्केल तो उसका नहीं बड़ा, और as happens with you know organization transitioning, the thing that I was trying to create within LUMS इवेंचुअली यू नो रियलाइज यही हुआ कि उस स्केल की चीज लम्स में नहीं हो सकती, बिकॉज लम्स ओवरऑल इज नॉट गेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दैट. बट यू नो बिकॉज आई वॉज गोइंग वॉन्टेड टू गो डाउन द पाथ एज यू नो यू वर हिंटिंग टूवर्ड्स के बहुत सारी फंडिंग आएगी, बहुत ग्रैंड स्केल पे हम प्रोजेक्ट करेंगे, लम्स में बैठ के हम इंडिया के लिए काम करेंगे, बांग्लादेश के लिए काम करेंगे, अफगानिस्तान के लिए काम करेंगे, राइट? मतलब विल एक्चुअली बी समथिंग लाइक MIT मीडिया लैब, राइट? दैट सिटिंग इन MIT वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक राइट? है. सो वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट. बट लम्स भी अगेन यू नो इज नॉट दैट ओल्ड एन इंस्टीट्यूशन. इट हैजंट गॉन थ्रू एज मेनी साइकल्स ऑफ पीपल यू नो मूविंग ऑन फॉर पीपल टू रियलाइज के यू नो दिस यूनिवर्सिटी इज बिगर देन देम, राइट? तो उसकी वजह से अभी जब कुछ और साल गुजरेंगे लम्स के, यू नो एक दो जनरेशन और may lums will get to the point where it will become large enough to have children that are able to grow enough, then put it this way. So TPI looks like it was another missed opportunity. I wouldn't say that at all. I Okay. wouldn't say that at all, and Okay. I wouldn't even say that about Chopal, because the important thing for me has been that you know there are successes, there are failures. Chopal to some extent was a success because naturally, you know, needless to say, you know, मेरी अपनी लर्निंग, बट द आइडिया कि उस वक्त
एक चीज ऐसी हुई जिसकी वजह से मुझे बाद में बहुत से लोग मिलते थे जो कहते थे कि यार यू नो दैट इज व्हेन वी फर्स्ट हर्ड द वर्ड स्टार्टअप, कि यार ये भी हो सकता है कि ये बच्चे जो हैं वो 18-19 साल के 20 साल के ये काम कर रहे हैं. टेडेक्स लाहौर सेम थिंग राइट, सिर्फ एक दफा करवाया, दुनिया में हर साल लोग करवाते हैं, सिर्फ एक दफा करवा सके हम बिकॉज यू आर नेवर एबल टू अलाइन द स्टार्स अगेन. ओके बाद में हुआ. और ये टीपीआई ऐसे ही है, टीपीआई की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत चीजें उठाई, टीपीआई में जो लोगों ने काम किया उन्होंने आगे और चीजें की, बहुत लोगों ने पीएचडी की उसके बाद जिन्होंने वहां पे काम किया. सो पीपल रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल नाउ, दैट वाज नॉट अ थिंग बिफोर दैट. ओके 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 सो टीपीआई के बाद आपने टीपीआई छोड़ा क्यों? छोड़ा मैंने इसलिए कि डेवलपमेंट सेक्टर में ग्लास सीलिंग है. ठीक है. मैं जब लिखता था प्रपोजल तो वो कहते थे कि यार ये तो 25 साल के हो और मास्टर्स भी नहीं किया हुआ, तो तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती. ठीक है. और मैं कहता था कि यार और तुम्हारी इतनी हो सकती है, उस दूसरे बंदे की इतनी हो सकती है, तो मैं कहता था कि यार व्हाई आर यू काउंटिंग इनपुट, व्हाई डोंट यू लुक एट द आउटपुट्स, एंड द डेवलपमेंट सेक्टर इज ऑल अबाउट द इनपुट्स, दे डोंट केयर अबाउट द आउटपुट्स. वो फीता काटते हैं इनपुट पे, वो प्लैक लगाते हैं, सारी सेरेमनी करते हैं जब प्रोजेक्ट फंड होता है, दे नेवर कम बैक एंड आस्क यू और सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. इंटरेस्टिंग. एक वजह ये थी. अच्छा, यानी कि ना कंप्लीशन करो, ना अकाउंटेबल ठहराओ, ना अकाउंटेबल खुद अपने आप को ठहराओ या किसी और को ठहराओ, ना डिलीवरी पे फोकस नहीं है, इट्स द फोकस इज ऑन यू नो ऑन द मोशन, ऑन पीपल मेकिंग मनी, ऑन स्टार्ट पीपल स्टार्टिंग थिंग्स. स्टार्टिंग का शौक है, फिनिश करने का शौक नहीं है. फिनिश करना है आपने पेपर पे, रिपोर्टें पूरी होनी चाहिए. ठीक है ठीक है. किसी ने तो पैसे डिसबर्स किए हैं, ही इज आंसरेबल टू समबडी एल्स, एंड द प्रूफ that the thing happened is that reports were submitted. अब उसमें evidence भी है, चीजें हैं, but there was no excitement from anybody कि यार ये कितना कमाल काम हो रहा है. जैसे I'm talking about most donors, but जो important चीज mention करने वाली वो ये है कि पैसे जो हमारे शुरू में आए थे Google से आए थे, जो Google के पैसे आए थे they were unrestricted. ठीक है. ये term होती है youth development sector में restricted और unrestricted. Google के unrestricted थे, which meant they could do anything with it. Which is why we were able to work with the police and the judiciary on another project, जिसके लिए development sector के पैसे देता ही नहीं है, because these are considered, you know, rather tricky projects. ठीक है. चले, आपने sort of so you went to do masters. Yes. So the other reason I left was because I was also over it. Over it in the sense के consulting में ये देखा कि यार अपना काम या नया काम नहीं कर सकते, TPA बना लिया. टीपीआई में देखा कि अपना काम तो नया काम कर लिया है लेकिन इस काम को बेच नहीं सकते एज अ प्रोडक्ट. क्यों नहीं बेच सकते? बिकॉज विच कंट्री इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू सोर्स यू नो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान? नंबर वन. ठीक है. नंबर टू, हाउ डू यू मेक अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है कोई समझ नहीं है. नंबर थ्री, आपने अगर गवर्नमेंट टाइप काम करने भी हैं राइट, तो उस स्केल पे मतलब मार्केट कैसे करना है, तो कुछ समझ ही नहीं थी. तो व्हेन आई गॉट बोर्ड ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट्स अपॉन प्रोजेक्ट्स, वेयर अगेन माय ओन यू नो इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी, मतलब मेरी जब लर्निंग काइंड ऑफ प्लाटू की इदारा ग्रो नहीं कर रहा मेरी वजह से बिकॉज ग्लास सीलिंग है, ठीक है, और मेरी अपनी लर्निंग ग्रो नहीं कर रही बिकॉज हम इससे बड़ा काम ही नहीं कर सकते. उस तरह के मतलब टीपीआई का सिस्टम अगेन इज इट ऑपरेटेड एज अ सेंटर विद इन लम्स. सो द वे इट वर्क्ड वाज दैट आई वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रनिंग द सेंटर एंड देयर वाज अ फैकल्टी डायरेक्टर दैट यू नो सोएब खान यू नो हैड दैट पोजीशन. सो वन पर्सन रिप्रेजेंटेड द फैकल्टी, वन रिप्रेजेंटेड द डे टू डे ऑपरेशन. ठीक है. उसके बाद आप एक्चुअली यू नो आई हैंडेड ऑफ टू समबडी एल्स. उसके बाद आप आगे सिलिकॉन वैली में, द प्लेस टू बी इफ यू आर इन द टेक. सो सिलिकॉन वैली में आके आपने क्या किया और नटशेल कितने साल आप रहे और क्या सीखा? सिलिकॉन वैली में बेसिकली मैं जब गया तो मैं पढ़ने गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट बिकॉज मैं वही काम कर रहा था और 2 साल का मेरा प्रोग्राम था बर्कली में. आई वांटेड टू गो टू अ यू नो अ लार्ज स्कूल जहाँ पे टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस है, लेकिन मैंने मतलब CS नहीं पढ़ी मजीद ना मैंने MBA किया. तो जो मैंने सीखा बेसिकली मैंने वहां जाके पहली रियलाइजेशन ये हुई कि यार मैं सिलिकॉन वैली आया हूँ, विच यू नो लाइक यू वर सेइंग मेबी साउंड एज अ जोक बट आई एम प्रीटी सीरियस बिकॉज मैं जब वहां गया तो ऑनेस्टली मैं ये नहीं सोच के गया कि सिलिकॉन वैली जा रहा हूँ. अच्छा.
मैं जब वहां गया और मैं अपने उन दोस्तों से मिला जिन्होंने अंडरग्रेड अमेरिका से किया था और वहां सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे याद कराया कि यार तुम तो कब से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कर रहे हो, तुमने तो सीएस भी किया हुआ है, यू हैव फाइनली मेड इट सिलिकॉन वैली, यू नो यहाँ पे सारे स्टार्टअप्स हैं। एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक क्लिक्ड फॉर मी कि ओह शिट, ये तो सिलिकॉन वैली है, बिकॉज मैं तो डेवलपमेंट पढ़ने गया था, ठीक बट है आई समहाउ मैजिकली एंडेड अप इन सिलिकॉन वैली ठीक है बिकॉज आई वॉज वर्किंग टिल 2 डेज बिफोर आई लेफ्ट, आई डिड नॉट हैव टाइम, मतलब आई वॉज रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। एनी वे मैं जब वहां गया तो बर्कली का साल 2 साल गुजर गए, आई डिड नॉट एंजॉय बींग इन क्लास बट आई रियली एंजॉयड बींग इन बर्कली, ठीक बिकॉज है बर्कली बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत चीजें हो रही हैं, एंड इफ पीपल हैव पिक्ड अप एनीथिंग फ्रॉम यू नो द माई टाइम एट लम्स, मुझे मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना है, मतलब अपनी जो है ना मेन चीज के अलावा सब कुछ करना है। तो मैंने बर्कली में वही किया, मतलब मैंने बहुत रैंडम चीजें ट्राई की, उसी के थ्रू मतलब आई फाउंड ए कनेक्शन टू दिस कंपनी कॉल्ड प्रेमिस डेटा, जहाँ मैंने इंटर्नशिप की, और फिर इवेंचुअली मतलब व्हेन आई ग्रेजुएटेड आफ्टर 2 इयर्स तो मैंने वहां पे मतलब फुल अच्छा टाइम अच्छा नौकरी आसिफ की। आसिफ आई हैव टू आई एम सो सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. इट नो बिकेम वरीज, सो सो इंटरेस्टिंग एंड लेट्स रीशेड्यूल अनदर पॉडकास्ट वेयर वी टॉक अबाउट सिलिकॉन वैली एंड टोरंटो एंड योर लव फॉर बुक्स एंड द फ्यूचर. लेट्स डू पार्ट टू ऑफ दिस. ओके सो वील यस स्केड्यूल प्लीज, दैट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर सो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. There's so we I think in the first podcast we have documented a very significant part of our history where Chopal first TEDx event in Lahore and TPI and आपने हमने वर्ल्ड बैंक को भी टच कर लिया, डेवलपमेंट को भी टच कर लिया. सो पहली आई एम ग्लैड दैट इन द फर्स्ट पॉडकास्ट वी कवर 2 decades ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इट. एंड वी विल हैव अली रेहान इन द कमिंग डेज. Monis Rehman is coming and other people. I'm talking to Jahan Ara and other people, Salim Ghori and all these people. So we'll build that, we'll document other stories that were happening around those times as well. And definitely, I thank you for your insights. I think you are a very interesting person in that you lived those moments and you are able to self-analyze those things and you can critically evaluate those things and sort of, you know, and all and sort of, you know, उसको बड़े अच्छे अंदाज में आप उसको समराइज भी कर पाए हैं. तो इसी वजह से हम आपकी जो है ना सेकंड पार्ट को हम डेफिनेटली कर रहे हैं. उस पे वो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई वांट टू हेयर योर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी एज वेल बिकॉज आपने ये सारी लर्निंग को कहीं अब आप अप्लाई भी तो करना है वो हम करने लगे ना साथ। इंशाल्लाह. चले फिर पार्ट टू करते हैं. एंड थैंक यू वेरी थैंक मच फॉर योर टाइम एंड द जेनरॉसिटी. इट मीन्स अ लॉट पहली पॉडकास्ट के लिए आना. आई ऑलवेज रिमेंबर दिस. थैंक यू वेरी मच. यू। एब्सोल्युटली।